अच्छा, आज हम लोग सिंगल एंट्री स्टार्ट करेंगे, ठीक है? सिंगल एंट्री ये वाला टॉपिक हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। इसका और एक नाम भी होता है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, सिंगल एंट्री या फिर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। तो इसमें कंसेप्ट क्या है, देखो, सिंगल एंट्री लिखा है, इसका मतलब क्या है, क्यों ये बता रहा है? क्योंकि जब हम लोग अकाउंट सीखते हैं तो हमें क्या सिखाया जाता है, डबल एंट्री, ठीक है? जब हम लोग अकाउंट सीखते हैं तो हम लोग सबसे पहले डबल एंट्री सीखते हैं, ठीक है? डबल एंट्री यानी समथिंग डेबिट एंड समथिंग क्रेडिट, ठीक है? डबल एंट्री। अब सिंगल एंट्री क्यों बोला जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पर हम लोग डबल एंट्री मेंटेन नहीं करेंगे, इसीलिए जो रिकॉर्ड हमें मिलता है वो इनकम्प्लीट रहता है, या फिर यहाँ पर मेंटेन करने का तरीका कुछ और है, ठीक है? इसीलिए क्या होता है कि सिंगल एंट्री से मेंटेन किया जाता है तो जो रिकॉर्ड्स है वो भी इनकम्प्लीट होते हैं, और इसको सिंगल एंट्री कहा जाता है, ठीक है? अब ये क्या कंसेप्ट है, देखो यहाँ पर क्या बोला गया है। देखो, सिंगल एंट्री कोई साइंटिफिक मेथड नहीं है, सबसे पहला बात है कि ये कोई साइंटिफिक मेथड नहीं है, जैसे कि डबल एंट्री में होता है। डबल एंट्री एक साइंटिफिक मेथड है, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग जो गोल्डन रूल है उसे अप्लाई कर सकते हैं, या फिर जो मॉडर्न अप्रोच है जो आजकल ज़्यादा यूज होता है, मॉडर्न अप्रोच से हम लोग एंट्री पास कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल लॉजिकल होता है कि अगर हम लोगों ने कुछ परचेज किया तो हमारा एंट्री ऐसे होता है, परचेज टू कैश। इसमें लॉजिक ये है कि कैश चला गया तो आउटफ्लो हो रहा है, इसीलिए क्रेडिट, और परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है क्योंकि हमारा एक्सपेंस हो रहा है, तो एक्सपेंस बढ़ने से डेबिट होता है और हमारा कैश यानी एसेट जो है वो डिक्रीज होने से क्रेडिट होता है, ठीक है? तो ये मॉडर्न अप्रोच से हम लोग सोच सकते हैं, या फिर अगर हम लोग गोल्डन रूल देखें तो वहाँ पर ये नॉमिनल अकाउंट हो गया तो ऑल एक्सपेंसेस एंड गेन्स आर डेबिटेड, इसीलिए परचेज डेबिट होता है, और गोल्डन रूल में रियल अकाउंट के हिसाब से व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज आउट इज क्रेडिट, तो ये कैश गोज आउट हो रहा है इसीलिए से क्रेडिट किया गया है, ये एक साइंटिफिक मेथड के साथ चल रहा है। लेकिन जो सिंगल एंट्री है वो कोई साइंटिफिक मेथड नहीं है। देखो यहाँ पर बोला है कि सिंगल एंट्री सिस्टम इज कंसिडर्ड एज अ नो सिस्टम एट ऑल, ये कोई सिस्टम ही नहीं है, बल्कि एक्सपर्ट बिलीव अनलाइक डबल एंट्री सिस्टम इट हैज नो साइंटिफिक बेसिस, इसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। तो क्वेश्चन आ सकता है फिर हम लोग ऐसा चीज क्यों सीखे, वाई शुड दिस टू बी लर्न। तो देखो क्या बोल रहा है, इट इज ट्रू दैट लाइक डबल एंट्री सिस्टम इट हैज नो सच साइंटिफिक सिस्टम, डबल एंट्री के तरह सिंगल एंट्री कोई साइंटिफिक सिस्टम नहीं है, फिर भी हाउएवर इट इज ऑल्सो ट्रू दैट एरिथमेटिकली थ्रू ए सिंपल स्टेटमेंट बिजनेस लॉजिक्स कैन बी एक्सप्लेन एंड प्रॉफिट कैन बी एसर्टेन बाई कंपेयरिंग द ओपनिंग कैपिटल एंड क्लोजिंग कैपिटल अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। अब इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है, ये बोला जा रहा है, ठीक है, किसी को अगर डबल एंट्री नहीं आता, क्योंकि जितने लोग बिजनेस कर रहे हैं क्या जरूरी है उनको एंट्री आता है कि उन्होंने कॉमर्स पढ़ रखा है या फिर कॉमर्स सीख रखा है, ठीक है? कैसे भी सीखे, चाहे थ्रू एडुकेशन सीखे, मतलब बेसिकली जो एकेडेमिक एडुकेशन होता है 11 12 या फिर कॉलेज में इस तरह से सीखे, या फिर किसी से सीखा हुआ है प्राइवेटली, जब जो भी हो, जरूरी नहीं है कि जितने लोग बिजनेस, लेकिन देखो अगर चारों तरफ देखोगे तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो बिजनेस, जैसे कि पान का दुकान है वो भी तो एक बिजनेस है, ग्रोसरी शॉप है वो भी एक बिजनेस है, लेकिन क्या वहां पर सब एडुकेटेड लोग रहते कि उन्हें अकाउंट मेंटेन करना है, जरूरी नहीं है अकाउंट मेंटेन करना है, फिर भी उनको भी तो अपने बिजनेस का एक जो कैलकुलेशन है वो पता होना चाहिए कि मेरा कितना अर्निंग है, मेरा कितना प्रॉफिट है, एग्जैक्ट नहीं भी पता है तो एक रफ रफ आइडिया तो उन लोग के पास भी होता है। तो देखो यहाँ पर बोल रहा है कि अगर साइंटिफिक मेथड नहीं है तो हम लोग क्यों सीखेंगे, हाउएवर इट इज ऑल्सो ट्रू दैट एरिथमेटिकली, एरिथमेटिकली मतलब वही प्लस माइनस करके थ्रू ए सिंपल स्टेटमेंट, एक सिंपल स्टेटमेंट में अगर हम लोग प्लस माइनस करते हैं, बिजनेस का कुछ लॉजिक अप्लाई करते हैं तो हम लोग अपना प्रॉफिट क्या कितना हो रहा है उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है? और इसके लिए नॉर्मली क्या मेथड अप्लाई किया जाता है, कंपेयर किया जाता है, किसे, ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल को कंपेयर किया जाता है। जैसे देखो एक एग्जाम्पल देते हैं,
बुक का ही एग्जाम्पल है। जैसे देखो यहाँ पर अगर कोई एक पेडलर है, ठीक है, पेडलर मतलब जो हॉकर होते हैं, ठीक है, एक पेडलर है, सपोज ये एक पेडलर है, ठीक है, इसने क्या किया, इसने अपना दिन स्टार्ट किया, क्योंकि ये लोग तो डेली अपने बिजनेस में कैपिटल लगाते हैं, ठीक है, ऐसा तो नहीं बहुत सारा माल जो है मतलब स्टॉक कर लिया गया, इन लोग के पास उतना पैसा नहीं होता, डेली का डेली बिजनेस में ये लोग पैसा लगाते हैं, आज 1,000 रुपए का माल मतलब स्टॉक कर लिया है, उसके बाद वो जो जितना भी का फिर और 1,000 नेक्स्ट दिन लगा दिया, इस तरह से होता है। तो सपोज इसने अपना दिन जो स्टार्ट किया है वो 1,000 रुपीज से स्टार्ट किया है, ₹1,000 से स्टार्ट किया है, ठीक है, मतलब आज इसने बिजनेस में 1,000 रुपीज लगाया है, ठीक है, और जब ये घर जा रहा है, मतलब जब इसका पूरा काम हो गया, जितना टाइम इसको ड्यूटी देना है, मान लो शाम को 7 बजे 8 बजे जब ये अपना घर जा रहा है, तो ये देख रहा है कि इसके पास कितना पैसा है, जब ये काउंट कर रहा है देख रहा है इसके पास 1,200 है एट द एंड ऑफ द डे, मतलब दिन के शुरुआत में इसने 1,000 लगाया था, 1,000 का स्टॉक कलेक्ट किया था, और जब घर जा रहा है तो सभी कोई अपना काउंट करके देखता है कि कितना पैसा है, कलेक्शन कितना हुआ है, मतलब मेरे पास कितना पैसा है, तो ये बताओ कि इसने कितना प्रॉफिट कमाया है, कैसे पता चलेगा, अगर स्टार्ट किया था 1,000 से, 1,200 इसके पास अभी है, तो इसने सारा दिन में कितना प्रॉफिट कमाया है, 200, तो ये प्रॉफिट कमा लिया है 200, ठीक है, अभी ये 200 प्रॉफिट कमा लिया, तो देखो ये हो गया ना ओपनिंग कैपिटल, और ये क्या हो गया क्लोजिंग कैपिटल, तो ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल को देखो कंपेयर कर दिए हम लोग और प्रॉफिट मिल गया, तो यहाँ पर तो हम लोगों ने ना तो कोई डबल एंट्री सिस्टम लगाया, ना तो कोई साइंटिफिक मेथड लगाया, नॉर्मल एक हम लोगों ने स्टेटमेंट फॉलो किया है, ठीक है, हम लोग इसे ऊपर नाम लिख सकते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोल के, ठीक है, अगर इसे कोई साइंटिफिकली प्रेजेंटेशन करना चाहे तो फिर इसका एक स्टेटमेंट बना सकते हैं जहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि इस पेडलर ने 200 रुपये प्रॉफिट कमाए, ठीक है, तो ये तो एक ट्रेडिशनल अप्रोच हो गया, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, अगर इसने दिन के शुरुआत से लेके एंड तक इसके मिडिल में कोई भी ऐसा खर्चा किया है या फिर कोई भी ऐसा मतलब पैसा इसके पास इनफ्लो हुआ है जिसका इंफॉर्मेशन ये मतलब पॉइंट आउट नहीं किया, तो उसमें क्या हो सकता है, ये प्रॉफिट गलत आ सकता है, जैसे एक एग्जांपल मान लेते हैं, जब दोपहर का टाइम हुआ इसे भूख लग गया, ठीक है, नॉर्मल सा बात है, तो ये अपना खाना खाएगा, अब मान लो बिजनेस से इसने क्या किया है ना, इसने 100 रुपये या फिर 50 रुपये, कितना माने यहाँ पर ही देख लेते क्या एग्जाम्पल दिया है, अच्छा हाँ, लंच के लिए इसने स्पेंट किया है, सपोज लंच के लिए इसने स्पेंट कर दिया है 50 रुपीज, 50 रुपीज का इसने खाना खा लिया, भूख लगा था खाना खा लिया 50 रुपीज का, तो ये चीज ये नहीं देख रहा है कि मैंने 50 रुपीज का खाना खाया है, ये काउंट नहीं कर रहा है, ठीक है, अगर काउंट नहीं कर रहा है तो इसका प्रॉफिट गलत दिख रहा है, क्यों गलत दिख रहा है, क्योंकि इसने अगर 50 रुपए खर्चा किया है, अब साइंटिफिकली हम लोग को क्या पता है, अकाउंट के हिसाब से ये एक पर्सनल एक्सपेंस है, बिजनेस का एक्सपेंस तो नहीं है, तो अगर बिजनेस का प्रॉफिट बताना है, क्योंकि बिजनेसमैन और बिजनेस का प्रॉफिट तो अलग माना जाता है, अब ये इस खर्चा को भी बिजनेस का खर्चा मान लिया, मैंने 50 रुपए का खाना खा लिया और मेरे पास 1,200 रुपए बचा है, मेरा प्रॉफिट 200 है, लेकिन एक बार सोचो क्या इसका प्रॉफिट 200 है या 200 से ज्यादा है या फिर कम है, क्या लगता है, अगर लंच का एक्सपेंस इसने यहाँ पर नहीं, हाँ बोलो, लंच का एक्सपेंस वो बिजनेस से किया तो उसका प्रॉफिट कम होना चाहिए। कम क्यों होगा, देखो एक बार सोचो, 1,000 रुपए इसने दिन की शुरुआत की, 1,000 रुपए से खत्म किया, इसके पास 1,200, ये बोल रहा है मैंने 200 रुपए प्रॉफिट कमाया, ठीक है, इधर लंच का जो एक्सपेंस है ये एक्सपेंस तो कर दिया लेकिन उसका इफेक्ट यहाँ पर नहीं डाल रहा है, ये बोल रहा है मेरे पास 1,200 है, तो बताओ क्या कंसेप्ट होना चाहिए, प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए, प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए ना, ये अपना ये खर्चा बोल रहा है कि ये बिजनेस का खर्चा, तभी 1,200 बोल रहा है, एक्चुअली ये 1,200 नहीं, इसके पास एक्चुअली कितना होता, अगर ये पर्सनल एक्सपेंस नहीं करता तो इसपे और भी 50 रुपए इसके पास रहता, तो दो ढाई सौ रुपए 250 रुपए का प्रॉफिट होता, तो ये एक पॉइंट है जो ये फाइंड आउट नहीं कर रहा है, मतलब जो इस पे ही वो ध्यान नहीं दे रहा है कि ये मेरा पर्सनल एक्सपेंस है, क्योंकि ये लोग क्या है इतने स्किल नहीं होते ये सब मामले में कि क्या पर्सनल खर्चा होता है क्या बिजनेस का खर्चा होता है, सारा खर्चा को खर्चा मान लेते, ठीक है, चाहे वो बिजनेस के लिए किया गया हो चाहे किसी भी रीजन से किया गया हो। गुड मॉर्निंग इंकी, गुड मॉर्निंग मैम। अच्छा
अब देखो और एक पॉइंट हम बताते हैं, जैसे हम लोग एक यहाँ पर जो स्टोरी देख रहे हैं इनकी, उसमें ये है कि ये एक पेडलर है, हॉकर है, इसने अपना बिजनेस जो डेली बेसिस पे ये लोग बिजनेस करते हैं, तो इसने आज 1000 रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया है, मतलब बिजनेस स्टार्ट नहीं, आज का दिन 1000 रुपए से स्टार्ट किया, 1000 रुपए लगाया है इसने बिजनेस में, और 1200 रुपए एट द एंड ऑफ द डे उसके पास 1200 रुपए है, ठीक है, 1200 रुपए है, तो उसने 200 रुपए प्रॉफिट कमाया है ऐसा हम लोग को लग रहा था, लेकिन इसने खाना भी खाया था 50 रुपए का, और उसके बाद बोल रहा है मेरे पास 1200 रुपए, तो ये एक गलत कंसेप्ट होता है। अगर हम लोग खर्चा, पर्सनल खर्चा कर रहे हैं, अपने ऊपर खर्चा कर रहे हैं, ये बिजनेस का खर्चा नहीं है, खाना खाना बिल्कुल इसका पर्सनल खर्चा था, उसको भी ये बिजनेस खर्चा मान रहा है, बोल रहा है मेरे पास 1200 रुपए है, इसका मतलब मैंने 200 प्रॉफिट कमाया, लेकिन ये एक रॉन्ग कंसेप्ट हो जाता है, क्योंकि इसने अपना जो खर्चा है इसे भी बिजनेस का मान लिया, तभी बोल रहा है 1200 है। अगर ये लंच नहीं करता, लंच पे खर्चा नहीं करता, तो इसके पास और भी 50 रुपए होता, तो एक्चुअली इसने बिजनेस से प्रॉफिट कमाया है 250, और उस प्रॉफिट से अपने लिए खाना खा लिया है 50 रुपए का, ठीक है। तो ये कंसेप्ट यहाँ पर हमें देखना चाहिए कि अगर हम लोगों ने पर्सनल कुछ ड्रॉइंग्स वगैरह किया तो उसका एक एडजस्टमेंट होना चाहिए। अच्छा, और भी एक पॉइंट हो सकता है कि इसे इग्नोर हो जा रहा है, मान लो ये जब लंच करने गया उस टाइम घर भी चला गया और घर से और 100 रुपए लेके आ गया, ठीक है, 100 रुपए कैपिटल लेके आ गया, इसको लग रहा है और 100 रुपए का सामान खरीद लेते हैं अच्छा बिक जाएगा, ठीक है, और 100 रुपए घर से लेके आ गया, तो अब बताओ इसका प्रॉफिट कितना होना चाहिए। ये दो चीज अगर वो इग्नोर कर दिए, कर रहा है और बोल रहा है कि मेरा प्रॉफिट 200 रुपए है, तो वो तो गलत है ना, तो बताओ इसका इम्पैक्ट क्या होगा दोनों पॉइंट का, जिसमें एक इम्पैक्ट तुम लोगों ने डील किया, अब मान लो 100 रुपए और भी कैपिटल लेके आया है घर से, तो बताओ इसका प्रॉफिट कितना है, एक्चुअल प्रॉफिट क्या होना चाहिए। और भी 100 रुपए लेके आया है तो उसपे और भी 2 रुपए उसको प्रॉफिट हो सकता है, सो 102 रुपए और बढ़ जाएगा। 102 रुपया क्यों बढ़ेगा, 2 रुपया क्यों होगा? मैम एज 1000 पे उसका 1200 हो रहा है, तो उसी हिसाब से 100 पे 2, तो नहीं 1000 पे 1200 नहीं हो रहा है, 1000 कैपिटल इंक्रीज होके 1200 हुआ है, तो प्रॉफिट तो 200 हो रहा है ना, मतलब तुम ऐसे बोल रहे हो 200 डिवाइडेड बाय 1000 इनटू 100 ऐसे बोल रहे हो क्या? हाँ, तो 20% होता है, ठीक है, वो 20%, लेकिन ये तो गलत है ना, अभी हम लोग को लंच वाला भी तो उसपे एड ऑन करना है, तो ये पूरा दोनों का इम्पैक्ट हम पूछ रहे हैं कि इसने 1000 से बिजनेस स्टार्ट किया आज, है ना, उसके बाद इसने कोई भी खर्चा और ये कैपिटल जो लेके आया इसका कोई इम्पैक्ट नहीं दिखाया, सीधा इसने काउंट किया, देखा कि मेरे पास 1200 है और बोल रहा है कि अच्छा मैंने 200 रुपए प्रॉफिट कमा लिया, और ये सब चीज इग्नोर कर दिया। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर ये दोनों पॉइंट को भी वो कंसिडर करे तो उसका प्रॉफिट क्या 200 ही होगा या उससे ज्यादा या कम होगा? 250 होगा तब। 250 नहीं, थोड़ा सा गलत हो रहा है, 250 तो नहीं, 150 होना चाहिए। देखो इसने 2000 रुपए लेके बिजनेस स्टार्ट किया आज, ठीक है, और इसने और भी घर से 100 रुपए कैपिटल डाला है, तो इसका कैपिटल कितना हो गया एक बार सोचो, 1000 रुपए लेके बिजनेस स्टार्ट किया था, दोपहर में इसे भूख लगा तो इसने खाना खा लिया, ठीक है, तो खाना खा लिया, चलो पहले खाना खाया फिर घर गया ऐसे मान लेते हैं, तो पहले खाना खाया तो 1000 रुपए से ही तो वो पैसा लेके गया है ना, मतलब जहां पर उसने स्टॉल लगाया था वहीं से 50 रुपया निकाला, अपने जहां पर पैसा रखता है उस कंटेनर से पैसा निकाला, 50 रुपए लेके खाना खाने चला गया, खाना खाने के बाद घर से आते हुए उसने 100 रुपए और लेके आ गया, वो 100 रुपए और लेके आ गया, तो ये माइनस होना चाहिए प्लस होना चाहिए, बताओ करेक्ट कि नहीं? अगर मान लो, है ना, अगर मान लो हम लोग स्टॉल दिए हैं कहीं पर भी, ठीक है, मान लेते हम ही स्टॉल दिए, चलो ठीक है, मैंने 50 रुपया लिया, खाना खाने गए और घर भी गए, घर जाके मैंने और 100 रुपये लेके आ गए, तो फिर 100 रुपये और ऐड हो गया। अच्छा, अब इसका मतलब मेरा बिजनेस में एक्चुअली कितना पैसा लग चुका है, 1000 लगाया था, 50 का मैंने खाना खा लिया और 100 रुपये और लेके आ गए, तो एक्चुअली कितना पैसा हो जाएगा यहाँ पर, ये कितना हो रहा है, ये 1050 है ना, 1050 हो रहा है ना, 1000 तो नहीं हो रहा है, 50 माइनस 1050, ठीक है, और जब हम अपना जो शॉप है उसे क्लोज करके घर जा रहे हैं तो हम मैंने काउंट किया कि मेरे जो पैसा रखने का जो कंटेनर था वहां पर मुझे 1200 रुपए मिल गया, ठीक है, 1200 रुपए मिला, तो बताओ मेरे बिजनेस में कितना प्रॉफिट मैंने कमाया आज, क्योंकि मैंने सारा इफेक्ट दिखाया है, 150 ये होना चाहिए कंसेप्ट। तो ये क्या होता है, फॉर्मूला क्या बनता है, ये देखो प्रॉफिट का, ओपनिंग
ये है ओपनिंग कैपिटल, देखो 1000 है ओपनिंग कैपिटल, 50 को क्या बोलेंगे ड्रॉइंग्स, 50 को क्या बोलेंगे ड्रॉइंग्स, अच्छा 100 को क्या बोलेंगे, 100 को फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस, फर्दर कैपिटल या फिर एडिशनल कैपिटल कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, ये हो गया ठीक है। अच्छा अब माइनस 1200 करोगे ना तो वो नेगेटिव आ रहा है, देखो मैंने जिस कंसेप्ट में लिखा है तुम लोग को समझाने के लिए, अगर हम लोग 1050 माइनस 1200 करें तो वो 150 आ जाता है नेगेटिव में, लेकिन ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, तो फिर हम लोग को कैसे काउंट करना चाहिए, हम लोग को बैक में जाके सोचना चाहिए, मीन्स हमें इस तरह से करना चाहिए क्लोजिंग कैपिटल। तो तुम लोग ऐसे मुझे बोल सकते हो ना कि ठीक है मैम तो फिर पहले 1200 लिख दीजिए तो नेगेटिव नहीं आएगा, बोल ही सकते हो कि पहले 1200 लिख दीजिए मैम तो नेगेटिव नहीं आएगा, तो 1200 माइनस ये करना चाहिए, तो फिर क्लोजिंग कैपिटल माइनस क्या करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल ये लिख दिया मैंने माइनस ये वाला होना चाहिए, क्या सही है? अब देखो क्लोजिंग कैपिटल माइनस ये वाला पॉइंट होना चाहिए, है ना? तो अगर ये क्लोजिंग कैपिटल माइनस ये होगा तो फॉर्मूला कुछ ऐसा नहीं बन जाएगा, देखो क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, ठीक है माइनस ओपनिंग कैपिटल प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस में प्लस ड्रॉइंग्स हो जाएगा और माइनस फर्दर कैपिटल हो जाएगा, फर्दर कैपिटल यानी प्रॉफिट इक्वल टू ये हो जाएगा, प्रॉफिट इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा कि प्रॉफिट इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस फर्दर कैपिटल, ये तो मैंने मैथमेटिकली समझाया। अब इसका लॉजिक भी देखो क्यों ऐसा हो जाता है हमारा फॉर्मूला, मेरे पास 1200 रुपए है, जब हम शॉप क्लोज करके जा रहे हैं मेरे पास 1200 रुपए है, मुझे देख ये सोचना है कि मैंने आज कितना प्रॉफिट कमाया, तो हम सबसे पहले बोलेंगे अच्छा घर से तो चले थे 1000 रुपए लेके, तो माइनस कर देंगे 1000, एक काम करते साइड साइड में लिखते माइनस कर देंगे 1000, मुझे पता है मैंने आज 1000 रुपए से स्टार्ट किया था, ठीक है माइनस 1000 कर दिया मैंने। अच्छा अब अगर हम खाना नहीं खाते, अगर हम पर्सनल खर्चा नहीं करते तो वो भी पैसा मेरा वहां पर रह जाता, ठीक है तो वो ड्राइंग्स के वजह से मेरा प्रॉफिट कम दिख रहा है जबकि वो मेरा पर्सनल खर्चा है, जबकि वो मेरा पर्सनल खर्चा है, तो ड्राइंग्स ऐड होगा, एक्चुअली हम लिखना चाहते थे मैंने अमाउंट लिख दिया सॉरी, ये देखो क्लोजिंग कैपिटल प्लस इस तरह से लिख के दिखाते हैं ड्रॉइंग्स माइनस ओपनिंग कैपिटल, जो फॉर्मेट तुम लोग के मैट में है वही वाला दिखाते हैं और उसको समझा भी देते हैं, माइनस फर्दर कैपिटल पीएल इक्वल टू प्रॉफिट इक्वल टू, अब देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे पीएल, मैंने देखा कि 1200 रुपए है मेरे पास, अगर हम खाना नहीं खाते तो मेरा 50 रुपीस रह जाता क्योंकि ये तो मेरा बिजनेस का खर्चा नहीं है कि हम इसे खर्चा मान लेंगे, ये मेरा पीएल पे चार्ज नहीं होता, ये मेरा कैपिटल से लेस होता है, ये मेरा पीएल में चार्ज होने वाला आइटम बिल्कुल नहीं है, ये मेरा कैपिटल को कम करने वाला आइटम है, तो अगर हम खाना नहीं खाते तो मेरा 50 रुपए और बच जाता, ठीक है तो मेरा 1200 के जगह 1250 मेरा क्लोजिंग कैपिटल दिखता, सही बात है, लेकिन मैंने ये 1200 रुपए में ये तो ध्यान ही नहीं दिया कि मैंने और भी 100 रुपए इसमें डाले थे, माइनस 100 करेंगे ठीक है, और सॉरी ये ओपनिंग कैपिटल 1000 रुपए लेके मैंने स्टार्ट किया था, ठीक है तो मेरा 1250 हो जाता, तो 1000 से मैंने स्टार्ट किया था तो 250 मेरा प्रॉफिट है, लेकिन मैंने फर्दर कैपिटल भी तो डाला हुआ है, कितना 100 रुपया, फर्दर कैपिटल भी मैंने 100 रुपया डाला हुआ है, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 150। एक्चुअली ये इस तरह से होता है, अब जब इसको क्लोजिंग कैपिटल से माइनस करके नहीं लिखेंगे तो वो नेगेटिव दिखाएगा, और जैसे ही माइनस करेंगे तो फिर ये पॉइंट इस तरह से आ जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस फर्दर कैपिटल, ये देखो तुम लोग के बुक में इस तरह से दिया हुआ है, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस, ठीक है कंसेप्ट एक ही है। तो नॉर्मली जो स्मॉल ट्रेडर होते हैं जैसे कि ग्रोसरी शॉप ओनर हो गए, वो लोग ये सिंगल एंट्री का जो सिस्टम है वो मेंटेन करते हैं, ये लोग जो डबल एंट्री सिस्टम है वो फॉलो नहीं करते, इट मे नॉट बी पॉसिबल टू रिकॉर्ड ऑल ट्रांजैक्शन, द रिजल्ट इन इनकम्प्लीट रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन इन द बुक्स, दिस इज द रीजन इट इज कॉल्ड फाइनल अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। अब एज ए अकाउंटेंट, क्योंकि तुम लोग स्किल्ड हो, तुम लोगों को अगर कोई मान लो ग्रोसरी शॉप वाला बोल देता है या फिर कोई
स्मॉल ट्रेडर बोलता है कि मेरे पास जो भी इंफॉर्मेशन है आप इससे मुझे फाइनल अकाउंट्स बना के दीजिए. अब उन लोगों को नीड क्या है फाइनल अकाउंट्स का? फाइनल अकाउंट्स मतलब ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनेगा. तो आज के डेट पे अगर हमें कहीं पर भी लोन वगैरह लेना है, बैंक में जाना है, तो वहां पर क्या प्रेजेंट करना पड़ेगा? अपने बिजनेस का क्या मतलब प्रॉफिट है, तभी तो हमें कंपनी मतलब बैंक जो है वो लोन देगी. ठीक है, बैलेंस शीट का क्या हालत है? तो फिर अगर ग्रोसरी शॉप वाले को भी तो लोन का जरूरत हो सकता है. हो सकता है उनका अमाउंट कम है, हो सकता है वो 20,000 ही लोन ले रहे हैं, लेकिन हो सकता है जरूरत है, 50,000 ले सकते हैं, 1,00,000 ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए डॉक्यूमेंट्स तो चाहिए. इसीलिए फाइनल अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, मतलब एज ए अकाउंटेंट जब तुम मतलब हम लोग क्योंकि ये चीज सीख रहे हैं, हम लोग स्किल्ड है, तो एज ए अकाउंटेंट हम लोग को ये सब इनकम्प्लीट चीजों से ही फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करके देना है, ताकि ये लोग अपना लोन वगैरह पास करवा सके. ठीक है, इसी पर्पस के लिए ये वाला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं. मेनी टाइम्स स्मॉल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट मेंटेन ए कम्प्रीहेंसिव अकाउंटिंग सिस्टम विच इज बेस्ड ऑन द डबल एंट्री प्रिंसिपल. एक ही बात कहा है कि डबल एंट्री बहुत लोग जो है मेंटेन नहीं करते, जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन होता है. The business is usually happy with the minimum information like the balances of cash and bank account. ये लोग ना कितना अपने पास कैश है और बैंक में कितना बैलेंस है इसी से खुश है. ठीक है, इससे इसके अलावा इन लोगों को कुछ जानने का मन भी नहीं होता है कि क्या कम क्या ज्यादा हो रहा है, किस तरह से इम्प्रूव कर सकते. देखो, अगर हम लोगों को लगता है कि हम लोग उस जगह नहीं पहुंच पा रहे जहां हमें पहुंचना चाहिए, चाहे वो हम ही क्यों ना हो, हम नहीं बोल रहे कि हम जहां पहुंचना चाहते वहां पहुंच गए, हम तुम लोग को भी ऐसा नहीं बोल रहे, लेकिन सबका तो एक रहता है ना पॉइंट ऑफ व्यू, मुझे और भी कुछ करना है. ठीक है, तो अगर हम लोग कर नहीं पा रहे, यानी हमारा हम लोग जहां पर है पर खुश है, इसीलिए हम लोग इससे आगे नहीं जा पा रहे. ठीक है, तो वही चीज इन लोग के साथ भी हो रहा है कि ये लोग अपना कैश और बैंक बैलेंस से ही खुश है, आगे कुछ पता करने का मन भी नहीं. अगर पता नहीं करना चाहोगे तो फिर लोन वगैरह लेने का सोच भी नहीं सकते हो. बिजनेस को आगे बढ़ाना है, लोन लेना है, फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करवाना है, तो सोचना पड़ेगा कि कैसे कर सकते हैं. तो यही चीज बोल रहा है कि दिस बिजनेस इज यूजुअली हैप्पी विद मिनिमम इन्फॉर्मेशन लाइक द बैलेंसेज ऑफ कैश एंड बैंक अकाउंट एंड वेदर ही हैज मेड अ प्रॉफिट और लॉस. और एक चीज ऑब्वियसली कि हाँ मेरा प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है. दिस पीपल मेंटेन रफ और स्केची रिकॉर्ड्स दैट सेव अ लिमिटेड पर्पस. ठीक है, ये लोग एक रफ रिकॉर्ड फॉलो करते हैं जिसका पर्पस बहुत लिमिटेड है, मतलब उससे कुछ काम नहीं हो सकता है. ऐसा वो रफ पेपर लेके बैंक में जाओगे तो बैंक कभी नहीं लोन देगा. बैंक के लिए एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स चाहिए. ठीक है, बिकॉज द प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री इज नॉट फॉलोड. क्योंकि ये लोग डबल एंट्री फॉलो नहीं करते तो रफ पेपर ही बनेगा, एक प्रेजेंटेशन कहां से बना सके. It is often referred to as single entry system. Actually, जो rough paper ये लोग maintain करता है, इसे single entry system बोला जाता है. अगर तुम लोग कभी भी अगल बगल की दुकान से उधार में कुछ भी लाते हो, कभी भी अगर लाते हो, ठीक है, तो देखना एक मतलब नॉर्मली अगर कोई जान पहचान का दुकान है जहां से रेगुलरली मान लो उधार में ही लाते हो, 15 दिन में एक बार पेमेंट करते होते, तो देखना एक कॉपी निकालेगा, उस पे जो तुम्हारा नाम रहेगा वहां पर नीचे रिकॉर्ड कर देगा, ये सामान लेके गया, टोटल इतना मिलेगा, आपने इतना जमा किया है, इसका मतलब इतना मिल जाएगा. बस इतना हिसाब ये लोग रखता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं. सच सिस्टम मेंटेन्स ओनली पर्सनल अकाउंट. ये लोग क्या करते हैं, पर्सनल अकाउंट. पर्सनल अकाउंट मतलब कौन होता है बताओ? पर्सनल अकाउंट मतलब कौन कौन सा, मतलब क्या क्या डेटा आ जाएगा इसमें, कौन कौन सा अकाउंट को पर्सनल अकाउंट बोलेंगे, एक एग्जांपल बता दो. पर्सनल अकाउंट का एग्जांपल बताओ. तीन अकाउंट होता है तो पर्सनल, रियल, नॉमिनल. नॉमिनल में क्या आता है, ऑल एक्सपेंसेस. हाँ बताओ. पर्सनल अकाउंट मैम डेटर क्रेडिटर. हाँ बोल सकते हो डेटर क्रेडिटर, मतलब कोई भी पर्सन. पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, पर्सनल अकाउंट दो तरह का होता है ना, एक आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होता है और एक ऐसे ही जैसे कि कोई बैंक हो गया, कोई कंपनी हो गया, ये लोग आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है. या फिर मान लो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड रेंट, इस तरह का जो नाम होता है वो पर्सनल अकाउंट होता है. या फिर राम श्याम जो भी है, ठीक है, मतलब कोई भी पर्सन का नाम, ये सब पर्सनल अकाउंट होता है. और जैसे मान लो किसी को मुझे सैलरी देना है, मैंने उसका सैलरी आउटस्टैंडिंग कर दिया, तो मुझे उस पर्सन को याद रखना पड़ेगा. अगर मैंने खर्चा टाइम पे कर दिया तो वो मेरे लिए
सिर्फ खर्चा होता है, लेकिन अगर मैंने खर्चा टाइम पे नहीं किया तो वो उस इंसान का जो मतलब नाम सारा चीज मेरे दिमाग में घूमते रहेगा, अरे उसको मुझसे पेमेंट मिलेगा, उसको मुझसे पेमेंट मिलेगा। ये जो याद रखने वाला कंसेप्ट है ना, अगर हम लोग टाइम पे पेमेंट करते तो याद नहीं रखना पड़ता है कि किसको मुझसे कितना पेमेंट मिलेगा, लेकिन अगर हम लोग टाइम पे नहीं करते हैं तो फिर हमें उसका नाम याद रखना पड़ता है। तो हम लोग जब फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं वहां पर इंडिविजुअली नाम तो नहीं याद रखते, बट ऐसे तो जरूर लिखते ना आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो ये जो आउटस्टैंडिंग है, प्रीपेड है, ये सब पर्सनल अकाउंट है, ठीक है? तो ये लोग सिर्फ पर्सनल अकाउंट मेंटेन करता है। जैसे अभी मैंने कहा तुम लोग जाओगे खरीद के लेके आओगे कुछ और पैसा बाद में दोगे, तो तुम्हारा नाम रिकॉर्ड हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट। एंड कैश बुक, कैश बुक तो मेंटेन करता ही है, तभी तो कैश बैलेंस पता चलेगा ना। एक्सपेंसेस एंड इनकम्स आर रिफ्लेक्टेड इन द कैश बुक, और सारा खर्चा और इनकम उस कैश बुक में ही वो लोग रिकॉर्ड कर लेता है। कैश बुक में कैसे, कितना पैसा मिला और कितना पैसा चला गया, कैश बुक में तो सारा कैश रिलेटेड हम लोग जो एंट्रीज है वो डालते हैं। जैसे कि मान लो फिक्स्ड एसेट खरीदते हैं तो भी कैश बुक में लिखते हैं, अगर बिजनेस का डे टू डे एक्सपेंस में मान लो रेंट पे कर रहे हैं तो भी कैश बुक में लिखते हैं। तो कैश बुक में हम लोग रेवेन्यू कैपिटल दोनों नेचर का ही एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं। वेयर एज पर्सनल अकाउंट्स रिफ्लेक्ट द डेटर एंड क्रेडिटर पोजीशन, जो इनकी ने कहा अभी डेटर क्रेडिटर, डेटर क्रेडिटर जैसे कि मैंने तुम लोग को पहले ही बताया ना कि तुम लोग जाओगे तो तुम लोग का नाम रिकॉर्ड कर लिया जाएगा, अच्छा ये सब सामान लेके गया, इतना पैसा देके गया, इतना पैसा बाकी है, तो क्या बन गया, डेटर बन गए तुम लोग उसके लिए, ठीक है? और वो भी किसी ना किसी से तो सामान लेके आता है क्योंकि ट्रेडर है ना, तो फिर वो ट्रेड करना है तो उसको तो जो मतलब आइटम्स वगैरह है उसे स्टॉक करना पड़ेगा, तो वो भी किसी से खरीद के लेके आता है, तो उसे भी मान लो थोड़ा पेमेंट कर देता है, थोड़ा पेमेंट बोलेगा जैसे ही माल बिक जाएगा हम आपको बाकी पेमेंट कर देंगे। तो ये डेटर क्रेडिटर पर्सनल अकाउंट का बुक्स मेंटेन करता है, कैश बुक मेंटेन करता है जो कि रियल अकाउंट है। This system usually follows the principle of cash basis accounting and hence no accrual or non-cash entries are passed. देखो कोई भी accrual entry ये लोग pass नहीं करता है, ठीक है? और कोई भी non-cash entry pass नहीं करता है। जैसे मान लो एक furniture है, एक table chair रखा हुआ है, या फिर मान लो जो grocery का सामान है वो रखने के लिए जो box वगैरह बनाया हुआ है उस पर भी तो depreciation होना चाहिए, but ये लोग ये सब maintain नहीं करता है कि ये depreciation charge हो रहा है, ये सब maintain नहीं करता है, that is non cash item. For example, entries like depreciation, provision for expense, accrual income have no place under such system. इस system में हम लोग इस तरह का कोई भी चीज maintain नहीं कर पाते। अब इसका features देखो, क्योंकि MCQ है, features भी आ सकता है। Features क्या है देखो, single entry का maintenance of books by a sole trader or partnership firm। तो यहाँ पर क्या होता है, ये इस तरह का बुक्स कौन मेंटेन कर सकता है, कंपनी कभी नहीं कर सकती है, कंपनी सिंगल एंट्री में अपना काम कर ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल है। तो सोल ट्रेडर जो है, ठीक है, या फिर पार्टनरशिप फर्म अगर कभी चाहे तो वो सिंगल एंट्री में अपना बिजनेस को रन करवा सकती है। द बुक्स विच आर मेंटेन अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम कैन बी केप्ट ओनली बाय ए सोल ट्रेडर और बाय ए पार्टनरशिप फर्म। तो दो तरह का ऑर्गेनाइजेशन है जो सिंगल एंट्री मेंटेन कर सकता है, सोल ट्रेडर यानी सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप फर्म। ये लोग कैश बुक मेंटेन करता है। इन दिस सिस्टम इट इज वेरी ऑफन टू कीप वन कैश बुक विच मिक्सेस अप बिजनेस एज वेल एज प्राइवेट ट्रांजैक्शन। मतलब कैश बुक में नॉर्मली क्या होगा, कैश का इनफ्लो आउटफ्लो रिकॉर्ड होगा, बट इनफ्लो आउटफ्लो इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये लोग पर्सनल खर्चा मतलब मान लो लंच करने का खर्चा भी वहां लिख रहा है और रेंट पे करने का खर्चा भी वहां लिख रहा है, मतलब पर्सनल और जो बिजनेस एक्सपेंस है इसमें कोई भी इन लोग जो है डिफरेंस नहीं रख रहा है, जो कि रखना चाहिए, ठीक है? क्योंकि यही हमें सिखाया जाता है कि बिजनेस का खर्चा अलग सोचो, खुद का खर्चा अलग सोचो, तभी तुम लोग प्रॉफिट जो है सही कैलकुलेट कर पाओगे कि बिजनेस करके कितना हो रहा है। ओनली पर्सनल अकाउंट्स आर केप्ट इन दिस सिस्टम, इट इज वेरी कॉमन टू कीप ओनली पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट मतलब वही, हम लोग गए, हमारा नाम रिकॉर्ड कर दिया कि हम लोग बाद में पेमेंट करेंगे, डेटर बन गए हम लोग उसका, वो उसका कोई क्रेडिटर भी हो सकता है जिससे वो आइटम्स वगैरह खरीद के लेके आ रहा है। एंड टू अवॉइड रियल एंड नॉमिनल अकाउंट, और ये लोग रियल नॉमिनल अकाउंट का कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं करता है। रियल अकाउंट मतलब जैसे फिक्स्ड एसेट वगैरह, ये सब का रिकॉर्डिंग नहीं करता है। नॉमिनल अकाउंट मतलब इनकम गेन्स, ये सब का एंट्री नहीं करता है। कितना इनकम हुआ, कितना सेल किए, इससे इन लोगों को लेना देना नहीं है। किस
किस पर्सन को सेल किए, जैसे मुझे कर दिया, तुम दोनों को कर दिया, ये रिकॉर्ड कर रहा है, लेकिन सारा दिन में कितने का सेल किया ये रिकॉर्ड नहीं कर रहा है, दैट इज नॉमिनल अकाउंट सेल। कितना परचेस किया ये रिकॉर्ड नहीं कर रहा है। मार्केट में क्रेडिटर है एबीसी, तीनों से सामान खरीदा है, उन लोग को पेमेंट करना है, ये सोच रहा है। कितना परचेस किया ये नहीं सोच रहा है। देयरफॉर समटाइम्स इट इज प्रीशियसली डिफाइंड एज ए सिस्टम वेयर ओनली पर्सनल अकाउंट्स आर केप्ट। तो यहाँ पर कौन सा अकाउंट रखा जाता है, ओनली पर्सनल अकाउंट को मेंटेन किया जाता है। तो ये भी एक हमारा एमसीक्यू बन सकता है कि कौन कौन सा अकाउंट ये लोग मेंटेन करता है और कौन सा नहीं करता है। रियल नॉमिनल नहीं किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ पर्सनल अकाउंट मेंटेन किया जाता है और कैश बुक मेंटेन किया जाता है। कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, जब भी कोई इंफॉर्मेशन गैदर करना है, जैसे कोई अगर वेल ऑर्गेनाइज्ड कंपनी है तो उसे कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो दौड़ के जाके कोई बिल, कोई भाउचर ये सब नहीं ढूंढेगा, वो अपना कंप्यूटर खोलेगा और वहां पर सारा रिकॉर्ड को देखेगा कि क्या क्या रिकॉर्डिंग है। और जब कंप्यूटर नहीं था तो उन लोग के पास जो डॉक्यूमेंट्स, मतलब जो जर्नल बुक, लेजर बुक होता था, वहां पर ढूंढ लेता था। लेकिन इन लोगों का ऐसा कोई भी रिकॉर्ड करने वाला पैटर्न तो है नहीं कि रिकॉर्डिंग से मिल जाएगा, तो ये लोग हमेशा वो ओरिजिनल चीज को ढूंढेगा, ठीक है, कि कहां पर वो बिल है, कहां पर वो सोर्स डॉक्यूमेंट है। देखो, फॉर इंफॉर्मेशन वन हैज टू डिपेंड ऑन ओरिजिनल वाउचर। एग्जांपल देखो क्या देवा, इन द केस ऑफ क्रेडिट सेल द प्रोप्राइटर मे कीप द इनवॉइस विदाउट रिकॉर्डिंग इट एनीवेयर। मतलब वो जो कॉपी है जहां पर लिख रहा है ना क्रेडिट सेल क्या है, वही उसका सोर्स डॉक्यूमेंट है और कहीं पर उसका रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगा। एंड एट द एंड ऑफ द ईयर द टोटल ऑफ द इनवॉइसेस गिव एन आईडिया ऑफ टोटल क्रेडिट सेल ऑफ द बिजनेस। अगर उसे पूछा जाए कि टोटल क्रेडिट सेल क्या है, उसने ऐसा कहीं रिकॉर्ड नहीं किया है कि वो देखे और बता दे पूरे साल भर का मेरा क्रेडिट सेल इतना। अगर पूछेगा ना पूरे साल भर का क्रेडिट सेल कितना है बताओ, तो बोलेगा रुको मैंने यहाँ पर ये बिल जो है ये लिखा था, या फिर ये जो कॉपी है यहाँ पर मेंटेन किया था डेटर का नाम, ये पढ़ के रिकॉर्ड देख लो, ठीक है, ये पढ़ के इसे चेक कर लो। लेकिन एक जगह पे नहीं मिलेगा कि इतना सारा क्रेडिट सेल हुआ है। लेकिन डबल एंट्री में क्या होता है, हमेशा डेटर का पहले क्या होता है जर्नल किया जाता है, फिर वहां से लेजर मेंटेन होता है, फिर लेजर से, लेजर में ही तो हमें मिल जाएगा कि टोटल कितना डेटर से कलेक्शन होने वाला है, या फिर कितना सेल किया है हम लोगों ने, ट्रायल बैलेंस से मिलेगा कि कितना बाकी है, या फिर हम लोग ट्रेडिंग में देख सकते हैं जब बाई सेल्स लिखेंगे कि टोटल कितना सेल है, जो इन लोग के पास ऐसा कोई फैसिलिटी नहीं होता है। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, ठीक है, एक जगह पे सारा चीज नहीं मिलेगा। इट लैक्स यूनिफॉर्मिटी एज इट इज अ मेयर एडजस्टमेंट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम अकॉर्डिंग टू द कन्वीनियंस ऑफ द पर्सन। अच्छा, डिफिकल्टी इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन ये देखो, इट इज मच डिफिकल्ट टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल लेजर। ठीक है, नॉमिनल और रियल अकाउंट नहीं मेंटेन होता है, सिर्फ पर्सनल अकाउंट मेंटेन होता है, तो ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन एज ए स्किल्ड पर्सन हम लोग इन लोगों का भी जो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करना सीखेंगे इस चैप्टर में कि कैसे हो सकता है। डिफिकल्ट तो है बट इम्पॉसिबल नहीं है, हो जाता है, ठीक है, एस्टिमेटेड हो जाता है। अब डिफरेंस बिटवीन सिंगल एंट्री एंड डबल एंट्री क्या होता है। सबसे पहला ये है कि डबल एंट्री में दो एस्पेक्ट फॉलो होता है, डेबिट एंड क्रेडिट, जबकि सिंगल एंट्री में ऐसा कोई एस्पेक्ट फॉलो नहीं होता है। ये लोग क्या एस्पेक्ट फॉलो करते हैं, ये लोग सिर्फ पर्सनल अकाउंट मेंटेन करते हैं और कुछ नहीं करते। और डबल एंट्री सिस्टम में बहुत सारा सब्सिडियरी बुक्स भी मेंटेन होता है, ताकि हमारा जर्नल बुक जो है वो बहुत ज्यादा भारी ना हो जाए। इसीलिए हम लोग परचेस डे बुक अलग मेंटेन करते हैं, सेल्स डे बुक अलग मेंटेन करते हैं, लेकिन सिंगल एंट्री में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। तो ये देखो, नो से सब्सिडियरी बुक्स एक्सेप्ट कैश बुक, सिर्फ कैश बुक मेंटेन किया जाता है, बाकी और ऐसा कोई फैसिलिटी नहीं है। डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, देयर इज अ लेजर व्हिच कंटेन पर्सनल रियल एंड नॉमिनल अकाउंट। डबल एंट्री में ये तो होता ही है, क्योंकि डबल एंट्री में सारा का सारा अकाउंट मेंटेन होता है, चाहे वो रियल हो, चाहे वो पर्सनल हो, चाहे वो नॉमिनल हो, बट सिंगल एंट्री में ऐसा कोई भी कंसेप्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पर्सनल अकाउंट मेंटेन होता है। अंडर डबल एंट्री सिस्टम प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस पॉसिबल। ट्रायल बैलेंस तो बनेगा, ट्रायल बैलेंस बनने के पहला स्टेप क्या होता है, लेजर, लेजर का पहला जर्नल। अब ये लोग ना तो जर्नल बनाता है ना लेजर, तो कहां से ट्रायल बैलेंस बनाएगा, नहीं बना सकता है, तो एरिथमेटिकल एक्यूरेसी भी ढूंढ पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस से हमें एरिथमेटिकल एक्यूरेसी पता चलता है। अगर ट्रायल बैलेंस टैली ना हो तो इसका मतलब ये है कि हमारा कहीं ना कहीं तो गलत हुआ है, चाहे वो जर्नल में हो, चाहे वो लेजर में हो।
अंडर डबल एंट्री सिस्टम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट आर प्रिपेयर्ड इन अ साइंटिफिक मैनर बट अंडर सिंगल एंट्री इट इज नॉट पॉसिबल ओनली अ रफ एस्टिमेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज मेड एंड अ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इज प्रिपेयर्ड विच रिजेंबल्स अ बैलेंस शीट इन अपीयरेंस बट विच डज नॉट प्रेजेंट एन एक्यूरेट पिक्चर ऑफ द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस. जैसे कि मैंने कहा कि ट्रेडिंग पेयर बैलेंस शीट हम लोग यहाँ बना लेंगे, इम्पॉसिबल तो नहीं है, बन तो जाएगा बट एस्टिमेटेड बेसिस पे बनेगा, एकदम एग्जैक्ट नहीं है. और यहाँ पर जो बैलेंस शीट बनेगा उसे बोला जाता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स. बैलेंस शीट की जगह बोला जाता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्योंकि एस्टिमेटेड होता है. एस्टिमेटेड बैलेंस शीट को ही स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बोला जाता है. वैसे बेनिफिट भी कुछ है इस सिंगल एंट्री सिस्टम का. क्या है ये? बहुत क्विकली बन जाता है और इजी टू मेंटेन है. इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन का जरूरत नहीं होता है. अगर कोई कंपनी किसी को अपना बिजनेस का जो अकाउंट्स है वो मेंटेन करने के लिए रखेगी तो ऑब्वियसली उसके स्किल्ड होना पड़ेगा, एटलीस्ट उसे कॉमर्स का नॉलेज तो होना ही चाहिए. तो वन डज नॉट रिक्वायर एम्प्लॉइंग ए क्वालिफाइड अकाउंटेंट. लेकिन ये जो ग्रोसरी शॉप हमारे आसपास जो दिखता है, जो छोटा मोटा दुकान है, क्या वहां पर कोई अकाउंटेंट रखा जाता है? नहीं, जरूरत ही नहीं है. वो खुद ही मेंटेन कर लेता है सिर्फ पर्सनल अकाउंट के थ्रू से. दिस इज एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर बिजनेस रन बाई इंडिविजुअल वेयर द वॉल्यूम ऑफ द एक्टिविटी इज नॉट लार्ज. एक्टिविटी उतना ज्यादा नहीं है, उतना ज्यादा इनकम नहीं है, तो कहाँ से उतना मेंटेन करेंगे? तो जैसा होता है वैसा ही कर लेते हैं, सिर्फ पर्सनल अकाउंट से काम चला लेते हैं और कैश बुक. इट इज इकोनॉमिकल एज इट डज नॉट नीड ए कम्प्रीहेंसिव रिकॉर्ड कीपिंग. अब इसमें खर्चा बहुत ही कम होता है क्योंकि यहाँ पर कुछ कम्प्रीहेंसिव मोड में हमें रिकॉर्ड नहीं रखना पड़ता है कि ये कोई मान लो टैली सॉफ्टवेयर हो गया, ये सब रखना है, या फिर इसके अलावा भी बहुत सारा सॉफ्टवेयर आ चुका है. अच्छा, तो नॉर्मली जैसे सबसे बेसिक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टैली माना जाता है, तो ये सब करने का खर्चा जो है वो बिल्कुल नहीं है. इसीलिए ये मेथड जो है बिल्कुल इकोनॉमिकल है, मतलब बहुत ही ज्यादा चीपेस्ट है. अच्छा, वीकनेस क्या है सिंगल एंट्री सिस्टम का? डबल एंट्री फॉलो नहीं होता है, ट्रायल बैलेंस नहीं बनेगा. ट्रायल बैलेंस नहीं बनेगा तो एरिथमेटिकल एक्यूरेसी नहीं पता चलेगा. प्रॉफिट एंड लॉस जो हमें फाइंड आउट होगा वो भी एस्टिमेटेड बेसिस पे बनेगा क्योंकि नॉमिनल अकाउंट्स हमें प्रिपेयर जो प्रॉपरली नहीं पता है. नॉमिनल अकाउंट्स मेंटेन नहीं होता है ना क्योंकि सिर्फ पर्सनल अकाउंट मेंटेन होगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो भी एस्टिमेटेड होगा, सही नहीं होगा. इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक ए बैलेंस शीट इन द एब्सेंस ऑफ रियल अकाउंट. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट फ्रॉड और एरर. तो बैलेंस शीट प्रिपेयर करना भी इम्पॉसिबल है, ठीक है, लेकिन बनाएंगे हम लोग, उसको बैलेंस शीट नहीं बोलेंगे, उसे बोलेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, एस्टिमेटेड बैलेंस शीट. और नॉर्मली फ्रॉड एरर अगर कुछ हो रहा है बिजनेस में तो वो डिटेक्ट कर पाना उतना आसान नहीं होगा. एसेट लाइबिलिटी का वैल्यूएशन प्रॉपरली नहीं होगा, एस्टिमेटेड वैल्यूएशन होगा, मतलब कम या ज्यादा हो सकता है. द एक्सटर्नल एजेंसीज लाइक बैंक कैन नॉट यूज फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन. ए बैंक कैन नॉट डिसाइड वेदर टू लेंड मनी और नॉट. जैसे कि मैंने कहा, जब इन लोगों को बैंक से लोन वगैरह लेना होता है तो बहुत डिफिकल्टीज आ जाता है इन लोगों के लिए. बैंक के पास अगर हम लोग प्रिपेयर करके लेके भी चले जाते हैं ना तो बैंक को ये लगता है अच्छा ये तो एस्टिमेटेड है, दे या ना दे, पता नहीं जितना प्रॉफिट दिखा रहा है सही है कि गलत है, पता नहीं कैसे अकाउंटिंग किया होगा, सही है कि गलत है. तो वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसा अगर हालत है तो हमें लोन देना है या नहीं देना है. हो सकता है कि लोन का पैसा रिटर्न ही नहीं कर पाया तो फिर बैंक के लिए लॉस हो जाएगा. इट इज क्वाइट लाइकली दैट द बिजनेस एंड पर्सनल ट्रांजैक्शन ऑफ द प्रोप्राइटर गेट मिक्स. जैसे कि देखा अभी हम लोगों ने वो एग्जांपल भी देखा था कि लंच का जो खर्चा है वो बिजनेस में ही दिखा दिया, ठीक है. तो ये लोग अपना खर्चा को बिल्कुल अलग तरह से मेंटेन नहीं करता है, ठीक है, एक ही जगह पे मेंटेन करता है, चाहे वो बिजनेस का खर्चा हो चाहे वो पर्सनल एक्सपेंसेस हो, ठीक है. और इसमें मेथड मैंने दिखाया तुम लोग को किस तरह से हम लोग कर सकते हैं. एज द रिकॉर्ड्स आर इनकम्प्लीट, हाउ डज ए बिजनेस फाइंड आउट वेदर ही हैज मेड ए प्रॉफिट और लॉस? देयर इज नो मिक्स्ड मेथडोलॉजी बट सम टेक्निक. कुछ मेथडोलॉजी नहीं है बट कुछ टेक्निक है, कैन गिव रफ कैलकुलेशन दैट हेल्प एसेसिंग द बिजनेस रिजल्ट. कंसिडर ए बिजनेस हैड कैश. देखो यहाँ पर बोला है 15,000 कैश था, परचेज किया 10,000 का सामान, सोल्ड कर दिया 17,000 का. हियर द एस्टिमेटेड प्रॉफिट इज 7,000. क्यों 7,000 हो रहा है? 15,000 कैश था, उसमें से 10,000 का स्टॉक खरीदा, 10,000 वाला स्टॉक को 17,000 में बेचा, तो 7,000 का प्रॉफिट है. और क्लोजिंग कैश कितना बचा? क्लोजिंग कैश है 22,000. Another way is to find out the increase or decrease in capital or net asset. इसके अलावा भी हम लोग इसे कैसे find out कर सकते हैं वही बता रहे. देखो capital equal to asset minus liability करके, तो capital कितना था 15,000, ठीक है, और asset minus asset कितना है, closing cash है 22,000 और liability यहाँ पर
लाइबिलिटी तो मुझे नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो एसेट माइनस लाइबिलिटी करके भी हम लोग निकाल सकते हैं। देखो एसेट माइनस लाइबिलिटी करने से तो कैपिटल आ ही जाएगा ना, ये देखो एसेट माइनस लाइबिलिटी करने से नॉर्मल सा बात है कैपिटल आ जाएगा। ये देखो यहाँ पर टोटल एसेट, यहाँ पर टोटल लाइबिलिटी, ये फिक्स्ड एसेट, ये करंट एसेट, ये कैपिटल और यहाँ पर लाइबिलिटी, ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी और करेंट लाइबिलिटी, ठीक है। तो अगर हम लोग टोटल एसेट, मतलब जो सिर्फ एसेट बोल के रखा है ना, एसेट माइनस अगर लाइबिलिटी यानी टोटल लाइबिलिटी, ये टोटल एसेट से अगर हम लोग ये टोटल लाइबिलिटी माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली हमें कैपिटल मिल जाएगा, तो ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या मैथमेटिकली दिया हुआ है, तो हमें ये फॉर्मेट फॉलो करना है। एक बार फॉर्मेट जरूर देख लो कि जो मैंने यहाँ पर तुम लोग को फॉर्मूला सिखाया, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स, ये देखो क्लोजिंग कैपिटल, कैपिटल एट द एंड, फिर लेस कर दिया कैपिटल एट द बिगिनिंग, ये देखो माइनस ओपनिंग कैपिटल, ऐसे भी कर सकते हैं, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ठीक है। जो भी आया उसमें ऐड करना है ड्राइंग्स, ये देखो ऐड ही किया है हम लोगों ने, ऐड करना है उसमें ड्राइंग्स, फिर लेस करना है फर्दर कैपिटल, ये रहा लेस करना है फर्दर कैपिटल। अच्छा उसके बाद लेस एडजस्टमेंट इफ एनी से बैड डेट डेप्रिसिएशन, अगर बैड डेट डेप्रिसिएशन ऐसा कोई एडजस्टमेंट है तो वो लेस होगा, वो बताएंगे क्यों हो रहा है। उसके बाद कुछ एप्रोप्रिएशन आइटम्स है तो वो लेस होगा। अच्छा दोनों में डिफरेंस बता देते हैं, एप्रोप्रिएशन आइटम और पीएल आइटम में फर्क क्या है, फिर ये दोनों लेस क्यों हो रहा है वो हम लोग क्वेश्चन के साथ देखेंगे। एडजस्टमेंट इफ एनी से बैड डेट डेप्रिसिएशन पीएल, ये और ये लिखा हुआ है पीएल एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन आइटम, एप्रोप्रिएशन मतलब जब खर्चा हम लोग खुद अपने ऊपर कर रहे हैं तो उसे बोला जाता है एप्रोप्रिएशन। जैसे तुम लोग जब पार्टनरशिप पढ़ोगे तो देखना पार्टनर को इंटरेस्ट दिया जाता है कैपिटल पे, पार्टनर को सैलरी दिया जाता है, पार्टनर को कमीशन दिया जाता है। अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट बना हुआ है तो पार्टनर को सैलरी, कमीशन, रेमुनरेशन, ये सारा चीज मिल सकता है, इसे बोला जाएगा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि पार्टनर लोग तो खुद ओनर है ना कंपनी का, मतलब सॉरी पार्टनरशिप का, तो जब हम लोग पार्टनर लोगों में कुछ भी पेमेंट करेंगे, मतलब इनसाइडर पेमेंट, आउटसाइडर नहीं, जैसे आउटसाइडर पेमेंट, जैसे देखो कोई सैलरी हो गया, कोई रेंट हो गया, कोई इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हो गया, कोई प्रिंटिंग पोस्टेज हो गया, बैड डेट हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, ये सब बिजनेस का खर्चा है, तो बिजनेस का खर्चा पीएल में लिखा जाता है। लेकिन बिजनेस जो लोग मेंटेन कर रहे हैं यानी पार्टनर के ऊपर अगर कोई खर्चा होता है तो वो पीएल एप्रोप्रिएशन में किया जाता है। पहले आउटसाइडर को जो भी पेमेंट करना है करो, सैलरी बाकी है सैलरी दो, रेंट बाकी है रेंट दो, इलेक्ट्रिसिटी है इलेक्ट्रिसिटी दो, इंटरेस्ट बाकी है लोन का इंटरेस्ट दो, ये सब देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उस प्रॉफिट से जब हम लोग पार्टनर को इंटरेस्ट अगर देना है, इंटरेस्ट, रेमुनरेशन तो रेमुनरेशन, सैलरी सैलरी देंगे, कमीशन है तो कमीशन देंगे, तो इसे बोला जाता है प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन करो। पहले अपने बिजनेस का प्रॉफिट निकालो जो कि नेट प्रॉफिट आता है पीएल में, अब उस नेट प्रॉफिट को एप्रोप्रिएट मतलब बांट दो सब में, इसका मतलब होता है बांटना, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एप्रोप्रिएटली इज कॉल्ड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। जैसे कि पार्टनर लोगों का कोई भी खर्चा पेमेंट करना, तो ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। ये दोनों का मतलब मैंने समझाया, अब हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे कि कहां पर ये एप्लीकेबल होगा। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन हम यहां पर ले लिए, ठीक है, ताकि आंसर तुम लोग ना देख पाओ, मैंने यहां पर ये देखो कट कर लिया, यहां पर दे दिया है क्वेश्चन, सिंपल मैंने यहां पर सारा क्वेश्चन ले लिया है। तो पहला इलस्ट्रेशन वन देखो क्या दिया हुआ है। इलस्ट्रेशन वन में दिया हुआ है कि मिस्टर प्रकाश keeps his account on single entry basis. Single entry basis पे ये अपना account maintain करते हैं। He has given following information about it, his asset and liability. तो इन्होंने अपना asset liability का information बता दिया, creditor बता दिया है क्योंकि ये लोग creditor का account maintain करता है, ठीक है, personal account, अच्छा cash at bank बता दिया है कि cash कितना है bank में, bills payable बताया, bills payable मतलब क्या, जिसको हम credit sell किया है, sorry जिससे credit purchase किया है उसको payment देरी में करेगा तो उसने bills draw कर दिया, बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल, ये तो कस्टमर रिलेटेड हो गया, बिल्स रिसीवेबल, डेटर बता दिया है, कितना स्टॉक है ये भी बता दिया है, मशीन कितने का है ये भी बताया है, कंप्यूटर दोनों ईयर का बताया है। उसके बाद देखो नीचे क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग द ईयर प्रकाश brought in additional 7500 cash in business, ये और भी 7500 cash business में लेके आया है, he withdrew goods of 2100, इसने 2100 रुपया का goods withdrawn किया है, ठीक है, personal
विथड्रॉ का मतलब ही है पर्सनल खर्चे के लिए स्टॉक निकाला है अपने दुकान से, एंड कैश ऑफ 7,200 फॉर इज पर्सनल यूज, मतलब दोनों ही चीज किया है, ठीक है, कुछ कैश भी निकाला है जो कि पर्सनल यूज के लिए, कुछ स्टॉक भी कलेक्ट किया है वो भी पर्सनल यूज के लिए. इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल इज टू बी गिवन एट 5% एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज टू बी चार्ज एट 10%. और इसने एक रूल्स कर लिया है, अपने अपने लिए ही लागू किया है कि जब जितना भी कैपिटल होगा उस पे 5% इंटरेस्ट वो बिजनेस से देगा, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, और जब भी वो अपने बिजनेस से पैसा निकालेगा उस पे वो खुद इंटरेस्ट चार्ज करेगा. मतलब मान लो कि अगर उसने 100 रुपया निकाला है, जब रिटर्न करेगा बिजनेस में तो 110 रुपए रिटर्न करेगा क्योंकि 10% रिटर्न है. और जब भी वो बिजनेस में पैसा डालेगा और 5% इंटरेस्ट लेगा, यानी 100 रुपए डालने से 5 रुपए वो इंटरेस्ट लेगा हर साल. प्रीपियस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 2016, बस इतना ही है. तो हमें पीएल प्रिपेयर करना है 31st of March 2016 का. तो पीएल के लिए हमें क्या चाहिए, देखो मेनली हमें पीएल के लिए क्या चाहिए, यहाँ पर देखो कैसे हम लोग पीएल कैलकुलेट कर सकते हैं. ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल चाहिए, ये देखो यहाँ पर भी हम लोगों ने देखा क्या चाहिए. क्लोजिंग कैपिटल पता होना चाहिए एटलीस्ट कि कितना बिजनेस, कितना पैसा देके हम लोगों ने स्टार्ट किया था, कितना पैसा मिला, क्या बीच में हम लोगों ने ऐसा कोई पर्सनल एक्सपेंस किया जो कंसिडर नहीं किया उसका ट्रीटमेंट, और फर्दर कैपिटल डाला है तो उसका ट्रीटमेंट. तो हमें ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल चाहिए जो कि इस क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं है. तो बताओ किस तरह से हम लोग ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल बना सकते हैं इस क्वेश्चन से. क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे हम लोग, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इससे कैसे हम लोग ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल बना सकते हैं. मतलब कैपिटल कहाँ पर शो होता है, बेसिकली कैपिटल कहाँ, बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट बनाएंगे. हाँ तो यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे. हाँ लेकिन इसका नाम देंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ठीक है. बैलेंस शीट ना देके देना है हमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, बिकॉज सारा चीज जो वो मिस्टर प्रकाश ने जितना भी डेटा बताया ना वो सब एस्टिमेट बताया, एक्यूरेट नहीं बताया, इसीलिए क्योंकि वो सिंगल एंट्री फॉलो करता है. तो हमें लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, 2 साल का हम लोग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे. अच्छा तो इलस्ट्रेशन 1 यहाँ पर लिखते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 31st of March 2016. एक 2015 होना चाहिए, 2015 और 2016. यहाँ पर 15 लिखना पड़ेगा. अच्छा अब हमें क्या करना है, सिंपल यहाँ से देखना है कि कौन सा आइटम एसेट साइड जाएगा उसे एसेट लिखो, कौन सा लायबिलिटी जाएगा लायबिलिटी. बताओ क्रेडिटर कहाँ जाएगा, लायबिलिटी, लायबिलिटी कैश एट बैंक से एसेट साइड, एसेट साइड बिल्स पेबल लायबिलिटी, बिल्स रिसीवेबल एसेट, डेटर एसेट, स्टॉक इन ट्रेड एसेट, मशीन कंप्यूटर दोनों ही एसेट, एसेट. बस अब डेटा जिसका जिस ईयर का जितना है उस हिसाब से लिखना है हमें, ठीक है. यहाँ पर वैसे तो कुछ फिक्स्ड एसेट करंट एसेट मेंटेन करना पड़ेगा ऐसे नेसेसरी नहीं है, लेकिन तुम लोग चाहो तो एकदम स्टार्टिंग में ये लिख सकते हो, जैसे कि मशीन कंप्यूटर ऐसे करके लिख सकते हो. दोनों में ही लिखना पड़ेगा, देखो मशीन और कंप्यूटर, बस अमाउंट अलग अलग हो जाएगा. अच्छा मशीन कितना है, 66,200 और 18,000, 66,200 और 18,000, और इसका मशीन है 78 और 17. स्टॉक
स्टॉक डेटर बिल्स रिसीवेबल, स्टॉक डेटर बिल्स रिसीवेबल, यहाँ भी लिख लेते हैं स्टॉक डेटर बिल्स रिसीवेबल। अच्छा स्टॉक है 31,000 और 47,300 और यहाँ पर है 31,000। अच्छा डेटर है 45,600 और 56,000। अच्छा बिल्स रिसीवेबल है 16,200, 18,300 और 16,200। अच्छा ये हो गया बिल्स रिसीवेबल। बिल्स पेबल, बिल्स पेबल कैश एट बैंक क्रेडिटर। अच्छा कैश एट बैंक, कैश एट बैंक और यहाँ पर क्रेडिटर और बीपी, क्रेडिटर और बिल्स पेबल यहाँ भी लिख देते हैं क्रेडिटर और बिल्स पेबल। तो क्रेडिटर कितना है, क्रेडिटर 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 55,200 और कैश एट बैंक 600 अच्छा 58,500 और 1,500 अच्छा बिल्स पेबल, बिल्स पेबल है 26,400 28,200। टोटल करना पड़ेगा तो टोटल करो 66,800 कितना होता है देखते हैं 66,800 प्लस 18,000 31,000 45,600 16,200 16,200 और 600 1,70,8,200। लो ये तो टैली नहीं हुआ, देखो तो सही आया कि नहीं। 66,200 18,000 31,000 45,600 16,200 और 600 क्या गलत आ गया है मेरा कुछ 66 200 के जगह मैंने 1800 लिख दिया क्या 800 तो माइनस यहाँ पर 600 होना चाहिए, यहाँ पर गलत लिखा है 1,77,600 ठीक है यहाँ पर गलत लिखा है, ये मिल गया मुझे यहाँ पर ठीक है 1,77,600 माइनस ये हो जाएगा, ये हो गया 600 और यहाँ पर कितना हो रहा है 71,600 तो कितना हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल, कैपिटल बैलेंस आ जाएगा, कैपिटल बैलेंसिंग फिगर। अच्छा ये कितना आ जा रहा है 55,200 + 26,400 1,48,400 - 1,77,600 1,77,600। ये क्या सब हो जा रहा है 1,77,600 - 55,200 - 26,400 96,000 96,000 आया
ठीक है 96,000, हाँ यही वाला। मैम मेरा आवाज नहीं जा रहा था। हाँ हम बोल रहे थे सब। ओ अच्छा, तब नेटवर्क की वजह से। हाँ अब मुझे आ रहा है तुम्हारा आवाज। अच्छा अब आ रहा है। अच्छा अब यहाँ पर भी हम लोग ना क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे फिर से, तो ये भी चेक करना है कितना हो रहा है। देखो 78,17, प्लस 78,17, 47,356,000, 47,300। अच्छा 47,356,000, 70 और क्या है 18,300 और 1,500, मतलब 19,800। ये हो गया 19,800। अच्छा 218,100, ठीक है 218,100, 218,100, और ये माइनस कर देना है। माइनस करेंगे 50 ये 7 और ये कितना 58,500, 28,200, 58,500, 28,200, 1,31,400। अच्छा 1,31,400 अब सही आया। पहला वाला मेरा गलत हुआ था कैलकुलेशन इसीलिए। तो देखो दो कैपिटल मिल गया, तो ये दोनों कैपिटल कौन सा ओपनिंग है और कौन सा क्लोजिंग है बताओ। कौन सा ओपनिंग है कौन सा क्लोजिंग है? 16 वाला क्लोजिंग है, 16 क्लोजिंग है और 15 ओपनिंग। ये ओपनिंग हो गया, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे अब प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड, कौन सा ईयर का बनेगा बता सकते हो? कौन सा ईयर का होना चाहिए? 2016 का ही होगा, वही करेंट ईयर है, ठीक है। अच्छा 16 का प्रिपेयर करने के लिए बेसिकली हमें प्रीवियस ईयर वाला डेटा चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल हमारे दिमाग में क्या चलता है, देखो ये जो मैंने स्टोरी बताया था, तो हम क्या किया था, क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल को माइनस कर दिया था, वो हम लोग सोच रहे थे कि प्रॉफिट। अब उसमें कोई एडजस्टमेंट करना है तो कर सकते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये देखो ये जो है ना कोई भी एक फॉर्मेट मेंटेन करना है, हर एक अलग अलग सोचेंगे ना तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। किसी भी एक तरह से हमें करना है, तो जैसा है तुम लोग के मैट में हम लोग उसी तरह से ही कर सकते हैं। तो कैपिटल का पहले चेक कर लेते हैं कि कैपिटल में क्या चेंजेस हुआ है, तो उससे पता चलेगा कि हाँ इतना प्रॉफिट हो सकता है। अब उसके बाद अगर कोई एडजस्टमेंट है तो वो हमें लिखना पड़ेगा। तो पहले हम लोग क्लोजिंग कैपिटल लिखेंगे, क्लोजिंग कैपिटल एज पर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, मैंने ये शॉर्ट में लिख दिया। तो क्लोजिंग कैपिटल है 1,31,400, 1,31 अमाउंट कॉलम में लिखेंगे, 1,31,400, यहाँ पर रुपीस कर देते इस कॉलम में। लेस करेंगे ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल एज पर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ये 15 वाला है, ये 16 वाला है, ठीक है 2016 और 2015। तो ये था 96,000, यानी कैपिटल इंक्रीज किया है तो प्रॉफिट है, लेकिन ये अल्टीमेट रिजल्ट नहीं है। हमें देखना पड़ेगा कि और भी कोई चेंजेस जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पर। तो 0,0,4,35,400, ये क्या हुआ है, कैपिटल इंक्रीज हुआ है। तो इंक्रीज क्यों इंक्रीज हुआ है, ये देखो 96,000 हमारे पास था जब 2000, ये उल्टा लिख दिया मैंने, चलो 2000 यहाँ पर उल्टा लिख दिया, तो 15 ये 16, 15 में इतना था 16 में इतना हुआ है। तो इंक्रीज इन कैपिटल ये लिखेंगे, कैपिटल इंक्रीज हुआ है, लेकिन यही प्रॉफिट है ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि और भी एडजस्टमेंट हो सकता है। ये देखो क्या लिखा गया, इन लोगों ने लिखा नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं, इंक्रीज इन कैपिटल हम लोग लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन में देखना है कि क्या क्या चेंजेस हुआ है, ये सब तो अप्लाई कर दिया हम लोगों ने। यहाँ पर देखो
प्रकाश ने 7500 बिजनेस में और डाला था और गुड्स विथड्रॉन किया था और कैश विथड्रॉन किया था 7200 और 2100। तो मुझे ये बताओ दोनों ड्राइंग्स के वजह से कैपिटल का इंक्रीज जो अभी हमें दिख रहा है क्या वो कम दिख रहा है या ज्यादा दिख रहा है? अगर ये ड्राइंग्स नहीं करता तो ये जो अमाउंट है क्या ये और भी ज्यादा इंक्रीज होता या कम होता? इंक्रीज होता मैम। इंक्रीज होता तो ड्राइंग्स को क्या करना चाहिए? ऐड, ठीक है, क्योंकि ड्राइंग्स तो पर्सनल खर्चा है, बिजनेस का खर्चा नहीं है। मतलब बिजनेस करके कितना प्रॉफिट हुआ है वो अगर पता करना है तो दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे। ड्राइंग्स दो तरह का है, हम लोग चाहे तो हाइफन देके भी लिख सकते हैं इस तरह से। ड्राइंग्स यहाँ पर गुड्स और यहाँ पर कैश। अच्छा, गुड्स का है 2100 और कैश है 7200 9300। ये ड्राइंग्स उसने किया है, तो ये ड्राइंग्स अगर नहीं होता तो कैपिटल इंक्रीज और भी ज्यादा है। इसका मतलब गलत हमारा इंक्रीमेंट आके रखा है, तो यहाँ पर मैंने ड्राइंग्स का इफेक्ट दे दिया। अच्छा, और क्या एडजस्टमेंट बोला है? देखो, इसने बोला है कि पैसा भी वापस इसने लाके और भी एक्स्ट्रा कैपिटल डाला था जिसका इंफॉर्मेशन आगे नहीं दिया हुआ है। 7500 का और भी इसने कैपिटल डाला है, ठीक है, और 5% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टू बी चार्ज्ड एंड एट 10%, ठीक है, कैपिटल के ऊपर 5% और ड्राइंग्स के ऊपर 10%। तो पहले इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, देखो कितना आता है 007 44700, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम लोग जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है इसका क्या पैटर्न होना चाहिए पहले ये सोचो। अगर कोई अपने बिजनेस से कैपिटल पे इंटरेस्ट कलेक्ट कर रहा है तो क्या उस वो इंटरेस्ट कहाँ से दे रहा है? ऑब्वियसली प्रॉफिट से दे रहा है। तो बताओ क्या प्रॉफिट हमारा कम दिख रहा है या ज़्यादा दिख रहा है? अगर हम लोग कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट ले रहे हैं तो हमारा प्रॉफिट क्या दिख रहा है, ज्यादा दिख रहा है या कम दिख रहा है? मतलब ये तो पर्सनल इनकम हो रहा है ना, ये सोचो, ये ड्राइंग्स की तरह ही ट्रीट करना है क्योंकि ये बिजनेस का खर्चा नहीं है या फिर बिजनेस का इनकम नहीं है। ये प्रोप्राइटर खुद एक नियम लगाया है खुद के ऊपर कि जब भी हम पैसा डालेंगे तो 5% करके इंटरेस्ट लेंगे और जब भी पैसा निकालेंगे तो 10% करके हम इंटरेस्ट भरेंगे, ठीक है। तो बताओ ये बिजनेस का खर्चा नहीं है कि अगर खर्चा है तो लेस कर दो, इनकम है तो ऐड कर दो, मतलब गेन दिखा दो और उसे हम लोग एक्सपेंस दिखा देंगे। ये है उसका पर्सनल खर्चा, ये उसने खुद के ऊपर एप्लीकेबल करके रखा है। तो अगर बिजनेस से इंटरेस्ट दे रहा है जो कि बिजनेस का खर्चा नहीं है तो मेरा प्रॉफिट क्या दिख रहा होगा? कम दिख रहा था। कम दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, और अगर ड्राइंग्स के ऊपर हम लोग इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं तो उसमें मेरा प्रॉफिट क्या दिख रहा होगा? अगर हम लोग ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं तो हम लोग इंटरेस्ट दे रहे हैं बिजनेस में, हम लोग बिजनेस में इंटरेस्ट दे रहे हैं। अच्छा, एक पॉइंट तो मेरा बाकी रह गया, पहले ये लिख लेते हैं। प्रकाश ब्रॉट एडिशनल कैपिटल, ये वाला करने के बाद ये करेंगे। अच्छा, एडिशनल कैपिटल इसका क्या होना चाहिए पहले ये सीख लेते हैं, फिर वो बताएंगे। एडिशनल कैपिटल पहले ये करेंगे। बताओ एडिशनल कैपिटल उसने बिजनेस में और डाला है जिसका उसने कहीं पर भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर नहीं रखा है, तो इसके वजह से हमारा जो कैपिटल आया हुआ है क्लोजिंग कैपिटल वो गलत आया हुआ है। क्योंकि अगर मैंने बिजनेस में और भी पैसा डाला था तो ये जो मेरा अभी फिलहाल का जो इंक्रीज दिख रहा है 35400 के जगह जो ये 44700 दिख रहा है, क्या ये ज्यादा दिख रहा है? क्योंकि इसमें तो कैपिटल जुड़ा हुआ है, ये पूरा का पूरा तो प्रॉफिट नहीं है, है ना, हटाना पड़ेगा। तो हटाना पड़ेगा, तो लेस करेंगे एडिशनल कैपिटल। तो एडिशनल कैपिटल कितना है 7500, ये पहले लेस कर देते हैं, अब फिर समझाएंगे उसे क्या होगा। अच्छा, ये देखो 37200, ठीक है, 37200 आ गया। अब देखो जैसे कि इन लोगों ने जो पैटर्न बनाया था ना, ये देखो एप्रोप्रिएशन। बताओ क्या इंटरेस्ट और ड्राइंग्स क्या ये एप्रोप्रिएशन है या फिर ये मतलब पीएल का आइटम है, पहले ये सोचो। अगर पीएल का आइटम होगा, अगर प्रोप्राइटर खुद ही ड्रॉ कर रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले रहा है, इसका ट्रीटमेंट कहाँ पर होता है? ट्रेडिंग अकाउंट में या फिर? हाँ, क्योंकि तुम लोग पहले ये सोचो जब हाँ एप्रोप्रिएशन, नीचे वाला एप्रोप्रिएशन। देखो
कैसे याद कैसे समझ में आ जाएगा तुम लोग को? देखो, तुम लोग जब ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाते हो और कहीं पर भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ रहता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इतना होगा, तो बता सकते हो कि ड्रॉइंग्स का एडजस्टमेंट कहाँ पर दिखाते हो तुम लोग? किसी भी तरह का ड्रॉइंग्स का एडजस्टमेंट कहाँ से दिखाते हो? कैपिटल कैपिटल ये खुद के ऊपर एप्लीकेबल कर रहा है, किसी बाहर वाले के ऊपर नहीं कर रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, देखो सीधा हम लोग जैसे करना है वैसे ही करेंगे। जैसे कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल 5% करके इसको लेना है, ठीक है? तो अगर ये इंटरेस्ट ले रहा है, खुद अपने बिजनेस से इंटरेस्ट ले रहा है, तो इसका प्रॉफिट कम होगा या ज्यादा होगा? इसका इसने रूल्स लगा लिया है कि जो भी मेरा प्रॉफिट होगा, जैसे ये पीएल बन गया, देखो ये पीएल बन गया, ठीक है? पीएल में क्या होता है, 2 बोल के यहाँ पर सारा खर्चा आ गया, बाय जीपी होता है और बाय अगर कुछ इनकम है, बाय 2 एक्सपेंस और बाय इनकम, ठीक है? ये आ गया 2 नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट जो आता है ये बिजनेस का प्रॉफिट है। ये कहाँ का प्रॉफिट है? ये बिजनेस का प्रॉफिट है। अब अगर प्रोप्राइटर सोच रहा है कि मुझे मेरे प्रॉफिट से इंटरेस्ट लेना है, कैसा इंटरेस्ट, किस बात का इंटरेस्ट ना, ये सोचा है कि जब भी हम कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे हम उस पर 5% करके लेंगे, नहीं, कैपिटल जब इंट्रोड्यूस करेंगे ऐसा नहीं बोला है, बोला कि ओपनिंग कैपिटल पे, यहाँ पर ऐसा दिया हुआ है, हो सकता है जब भी कैपिटल डाले तब इंटरेस्ट ले ले, ये पॉइंट भी हो सकता है। ये लोग बता रहा है कि इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल ये 5% खुद लेगा, तो ये प्रॉफिट से ही तो उसे इंटरेस्ट खुद को देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट जब देगा तो ये पीएल के बाद जो नीचे बन रहा है ना, ये पीएल अप्रोप्रिएशन बन रहा है, ठीक है? पीएल के बाद ही बनता है। तो यहाँ पर दिखाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है? 5% देना है ओपनिंग कैपिटल पे। तो ओपनिंग कैपिटल कितना है, ये रहा 96,000, तो 96,000 पे 5% देगा, तो कितना होगा वो तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। पहले देख लेते हैं, 96,000 इंटू 4,800, ठीक है? ये देखो 4,800, तो 4,800 का पेमेंट कर दिया, 4,800 का पेमेंट हुआ, तो बताओ प्रॉफिट कम होगा या ज्यादा होगा? प्रॉफिट तो बढ़ गया है, प्रॉफिट कम हो गया, इसको ऐड करेंगे, कम होगा ना। देखो यहाँ पर अगर मान लो इसके पास 1,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, फॉर एग्जाम्पल, वैसे तो प्रॉफिट यहाँ पर दिया हुआ है, देखो हम लिख देते हैं ये सब अप्रोप्रिएशन के पहले 37,200 का, इसका मतलब इसका प्रॉफिट होके रखा है। अब इसे यहाँ से ये बोल रहा है कि हम 4,800 का क्या करेंगे, इंटरेस्ट ले लेंगे, ठीक है? और एक ड्रॉइंग्स देखो बता के रखा है कि जब भी वो ड्रॉइंग्स करेगा तो वो 10% खुद रिटर्न देगा बिजनेस में, ठीक है? तो इंटरेस्ट अगर मिलेगा, बिजनेस को इंटरेस्ट मिलेगा, यहाँ पर बिजनेस के रेस्पेक्ट में हमें सोचना है, यहाँ से बिजनेस से खर्चा हो रहा है और अगर ड्रॉइंग्स का इंटरेस्ट होगा, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स होगा, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स होगा ना, क्योंकि ये बोल रहा है कि जब हम बिजनेस से पैसा निकालेंगे तभी हम बिजनेस में, अगर 100 रुपए निकालते हैं तो हम 110 रुपए इंटरेस्ट दे देंगे, इंटरेस्ट के हिसाब से रिटर्न देंगे, ताकि ये एक बैलेंस बना रहे, ऐसा कर सकते हैं। तो बताओ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जब प्रोप्राइटर खुद को खुद के ऊपर चार्ज कर रहा है तो उससे बिजनेस का इनकम बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा ना, बिजनेस में पैसा डालेगा, ड्रॉइंग से और कैपिटल से कम होगा, कम होगा कैपिटल वाला इंटरेस्ट से। अब इंटरेस्ट कितना होगा, ड्रॉइंग्स जितना हुआ है उसके ऊपर हमें 10% लगाना है। ड्रॉइंग्स कितना है टोटल, 9,300, ये देखो 9,300 पे 10%, तो ये 930 होना चाहिए, 930, तो हमारा अल्टीमेट प्रॉफिट इसे बैलेंस करोगे तो आ जाएगा। अब यहाँ पर स्टेटमेंट में कैसे ट्रीट करेंगे, तो इसका मतलब ये तो हो गया हमारा प्रॉफिट बिफोर अप्रोप्रिएशन, तुम लोग इसे लिख सकते हो, वैसे तुम लोग के मैट में इस तरह से नहीं किया हुआ है, लेकिन तुम लोग चाहो तो लिख सकते हो प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन, ये चीज लिख सकते हैं हम लोग, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, एप्रोप्रिएशन के पहले का प्रॉफिट। अब यहाँ पर कुछ लेस हो जाएगा, एक आइटम ऐड हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर ये रब कर देते हैं, लेस करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्योंकि वो डेबिट साइड में गया, ठीक है? इसलिए लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 96,000 into 5% 4,800 और ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 9,300 into 10% 930
9:30। अच्छा अब चेक करके देखना पड़ेगा कितना आ रहा है। -4800 मैम 41070। इससे माइनस करने से ज्यादा कैसे हो जा रहा है, कम होना चाहिए। 37200 -4800 नहीं, कुछ तो गलत हो गया है। देखो एक बार, कुछ तो गलत हुआ है। प्लस 930 मैम, 33,330। हाँ 33,330। ये हो गया नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर 2016। तो ये इस तरह से हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो ये इलस्ट्रेशन वन था। अच्छा नेक्स्ट और एक क्वेश्चन देखते हैं, इलस्ट्रेशन टू। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इलस्ट्रेशन टू में दिया हुआ है, देखो पूरा लैंग्वेज में दिया है। ऑन 1st April 2012 नेहा स्टार्टेड ए ब्यूटी पार्लर, सी एक्वायर्ड ए शॉप फॉर 12 लाख। एक शॉप खरीद लिया है 12 लाख का एंड पेड 2 लाख फॉर इंटीरियर फिटिंग्स, और कुछ इंटीरियर फिटिंग्स के लिए 2 लाख खर्चा किया है। सी पुट 4 लाख इनटू बिजनेस बैंक अकाउंट, बैंक में एक बिजनेस अकाउंट बना लिया है, ठीक है, और वहां पर 4 लाख डिपॉजिट करके रखा है। सी कैरिड ऑन टिल 31st March 2013, और ये बिजनेस 31st March 2013 तक चल रहा है, मतलब 1st अप्रैल से एक साल कंप्लीट कर लिया है। व्हेन सी वांटेड टू नो व्हाट द पार्लर हैज अर्नड ओवर द पीरियड, एक साल खत्म हो गया, अब उसको ये पता करने का उनको मन है नेहा का कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। सी हैज अप्रोच्ड यू टू फाइंड आउट बिजनेस रिजल्ट विद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अब कुछ इन्फॉर्मेशन बताया गया है और हम लोग को बोला जा रहा है कि प्रॉफिट लॉस बता दो। इन एडिशन टू द शॉप एंड फिटिंग सी हैड फॉलोइंग पोजिशन, मतलब एक शॉप तो लिया ही था, इंटीरियर फिटिंग्स भी करवाया था, बैंक में बैलेंस भी रखा था, इसके अलावा भी उसके पास क्या क्या पोजिशन है, किस चीज का स्टॉक है 6 लाख का, मोटर कार एक खरीदा गया है, परचेज का डेट बता दिया है 5,50,000, कैश एट बैंक है इतना। बेस्ड ऑन हर लिमिटेड नॉलेज सी हैज टोल्ड यू टू चार्ज डेप्रिशिएशन ऑफ 2% ऑन शॉप, 5% ऑन फिटिंग्स एंड 20% ऑन कार। उनको उतना नॉलेज नहीं है, फिर भी डेप्रिशिएशन चार्ज करने के लिए उन्होंने कहा है कि 2% शॉप पे लगा दो, 5% फिटिंग्स पे लगा दो, मतलब वो इंटीरियर फिटिंग्स, और जो 20% है कार पे लगाओ। On 31st March 2013, 1,40,000 was payable to creditor. Creditor को 1,40,000 pay करना है year end में. And 1,00,000 to a friend for money borrowed for business. और 1,00,000 एक दोस्त को pay करना है, ठीक है? ये सब information वो बता रही है हमें. 1,00,000 एक friend को pay करना है, उनसे borrow किया गया था, इसीलिए। She had drawn 2,000 per month from the business. और ये भी उन्होंने information दिया कि वो हर महीने business से 2,000 करके withdrawn कर रही थी. Prepare her statement of profit or लॉस फॉर द ईयर, हमें पीएल प्रिपेयर करना है, तो ऑब्वियसली हम लोग स्टेटमेंट पीएल बनाएंगे, तो उसके लिए हमें क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल ये दो पॉइंट तो चाहिए। उसके बाद अगर कोई ड्रॉइंग्स है, एडिशनल कैपिटल है, कुछ एप्रोप्रिएशन है, वो सब तो एडजस्टमेंट होगा ही होगा, लेकिन मेन पॉइंट दो रहता है, ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल, जिसके लिए हमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो हम लोग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे सबसे पहले। Illustration 2, Statement of Affairs as on, दो डेट होना चाहिए, एक डेट कौन सा होगा, एक डेट हो जाएगा 1st April 2012 जब बिगिनिंग ऑफ द ईयर है, और क्लोजिंग हो जाएगा 31st March 2013 या फिर 1st April 2013, कोई भी हम लोग लिख सकते हैं डेट, ठीक है। तो as on 1st of April 2012 भी था ना, हाँ 12। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में क्या क्या हो जाएगा ये देखो, लायबिलिटी और एसेट। अच्छा क्या क्या था इनके पास जब इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, शॉप है एक 12 लाख का, तो शॉप है, शॉप एसेट होता है, फिक्स्ड एसेट 12 लाख का है। अच्छा इसके अलावा इंटीरियर फिटिंग्स करवा के रखा है 2 लाख का, तो इंटीरियर
फिटिंग्स टू लैख। अच्छा कैश रखा है, बिजनेस बैंक अकाउंट खोल के रखा है 4 लाख का, तो बैंक अकाउंट बैंक 4 लाख। अच्छा उसके बाद सी कैरिड ऑन टिल 31st मार्च व्हेन सी वांटेड टू नो व्हाट। अच्छा अब 31st मार्च में ये सब डेटा बताया जाएगा, ठीक है। 31st मार्च तक इस तरह से ही बिजनेस चल रहा था, ठीक है। उसके बाद ये सब एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो मिल रहा है, देखो क्या लिखा हुआ है, सी हैज अप्रोच्ड यू टू फाइंड आउट द बिजनेस रिजल्ट विद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एज ऑन 31st मार्च 2013। कैसे पता करोगे कि कौन से ईयर का है, ये हमें लैंग्वेज पढ़ना है। लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है, देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये 31st मार्च 2013 का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, मतलब ये ओपनिंग वाला तो हुआ नहीं, क्योंकि ओपनिंग जो है वो 12 का है, 1st अप्रैल 12, और ये जो है 1st अप्रैल 2013 या फिर 31st मार्च 2013 का बैलेंसेस दिया हुआ है, जैसे कि कैश हो गया, स्टॉक हो गया, मोटर कार हो गया, ये सब। तो यहां से हमें एक बार ओपनिंग कैपिटल तो मिल जाएगा, ओपनिंग, अच्छा इसको ओपनिंग नहीं, सिर्फ कैपिटल लिखते हैं, वो तो हम लोग स्टेटमेंट में लिखेंगे, कैपिटल बैलेंसिंग फिगर। तो 12 लाख और 4 2 6 लाख, 6 और 2 18 18 लाख। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज 31st of March 2013। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनेगा तो उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है उन्होंने, स्टॉक है 6 लाख का, तो स्टॉक एसेट होता है, तो स्टॉक लिख दिया मैंने 6 लाख। अच्छा उसके बाद देखो मोटर कार 5,50,000 यहाँ लिख देते हैं, अच्छा कैश एट बैंक 2.5 लाख, कैश एट बैंक 2,50,000 बेस्ड ऑन अ लिमिटेड नॉलेज सी हैड टोल्ड यू चार्ज डेप्रिशिएशन, ये सब डेप्रिशिएशन चार्ज करने के लिए कहा गया है, ठीक है। तो डेप्रिशिएशन हम लोग यहाँ पर चार्ज कर सकते हैं या फिर हम लोग वो पीएल में भी उसे शो कर सकते हैं, ठीक है। डेप्रिशिएशन जो है हम लोग डायरेक्टली यहाँ भी चार्ज कर सकते हैं या फिर पीएल में भी उसे शो कर सकते हैं। अच्छा डेप्रिशिएशन बोला है और क्रेडिटर का 1,40,000 यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं, क्रेडिटर। और 1 लाख एक दोस्त को देना है, तो लोन, लोन फ्रॉम फ्रेंड, ये 1 लाख हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर और क्या आ जाएगा, स्टॉक इन ट्रेड लिख दिया मैंने, मोटर कार लिख दिया, अच्छा शॉप, शॉप भी तो यहाँ पर कंटिन्यू होना चाहिए, शॉप और फिटिंग्स जो है वो यहाँ पर आ जाना चाहिए, जैसे बिल्डिंग वगैरह होता है वो भी तो आ जाता है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा शॉप और फिटिंग्स। अच्छा शॉप और फिटिंग्स पे इन्होंने डेप्रिशिएशन बोला है कितना कितना, और मोटर कार पे भी बोला है, तो हम लोग डेप्रिशिएशन चाहे तो चार्ज कर सकते हैं यहाँ पर भी। तो 2% पर एनम ऑन शॉप, तो शॉप कितना था, 2% माइनस हो जाएगा 12 लाख, माइनस 2% तो कितना हो जाएगा 2,40,000 शायद, कितना होता है माइनस करने से, 12 लाख माइनस 2,40,000। अच्छा फिटिंग्स कितना था, फिटिंग्स था 2 लाख। अब यहाँ पर कितना चार्ज करने बोला है फिटिंग्स पे, 5% लेस 5%, तो 10,000 होगा शायद 2 लाख पे। यस मैम 10,000। हाँ तो माइनस 10,000 कितना हो जाएगा, 1,90,000। अच्छा 1,90,000 ये हो गया। अच्छा और क्या बचा, मोटर कार उस पे भी लगा देते हैं, मोटर कार ये है 20%, तो 5,50,000 माइनस 20%, ये देखते हैं कितना होता है, तो
1,10,000. अच्छा 1,10,000 माइनस करने से 4,40,000. 4,40,000. अच्छा डेट क्या था परचेज का, कुछ डेट बता है? सितंबर में. हाँ कितने दिन का होगा फिर? सितंबर लास्ट है, सितंबर छोड़ दो, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, सिक्स मंथ का. हाँ सिक्स मंथ का अप्लाई करो, देखो 4,95,000, 6,00,000 और 2,50,000, मतलब 8,50,000, 11,76,000. अच्छा 8,50,000. अच्छा 8,50,000 और 11,76,000. 11,76,000 येलो. मैम 27,11,000. अच्छा 27,11,000. 11,000. अच्छा माइनस हो जाएगा 2,40,000. ये 2,40,000. अच्छा 24,71,000. ये हो गया क्लोजिंग कैपिटल 27,11,000. तो अब हम लोगों को दो कैपिटल मिल गया, एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग. अब हम लोग स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे. तो क्लोजिंग कैपिटल, एज ऑन 31st of March 2013, अभी हम लोगों ने जो कैलकुलेट किया 24,71,000. अच्छा लेस कर देंगे, लेस ओपनिंग कैपिटल एज ऑन 31st of March 2000, ये 1st April लिखते थे, इसका टाइम है 1st April 2012. 31st मार्च 2012 लिखने से भी होता ठीक ही था, वो भी 18,00,000 माइनस 18,00,000. तो सबसे पहले ये जो रफ आइडिया होता है वो हम लोग कर लेते, फिर एडजस्टमेंट देखेंगे. तो ये हो जाएगा 7,130,000 और यहाँ पर 18,6 हो रहा है, 6,71,000 इंक्रीज हुआ है. इंक्रीज इन कैपिटल, कैपिटल बढ़ा है. तो देख के तो लग रहा है कि प्रॉफिट ही है. अच्छा अब इसके बाद यहाँ पर एक चीज बताया कि इन्होंने हमेशा हर मंथ 2000 का ड्रॉइंग्स किया है. तो अगर 2000 का ड्रॉइंग्स किया है तो इंक्रीमेंट जो है वो कम दिख रहा है. अगर 2000 का ड्रॉइंग्स किया है हर मंथ तो इंक्रीमेंट तो कम दिख रहा है, और भी ज्यादा दिखता अगर ये पैसा नहीं ड्रॉ होता. तो फिर ड्रॉइंग्स ऐड होना चाहिए इसी कंसेप्ट में. लेकिन मुझे अमाउंट बताओ कितना होना चाहिए, क्योंकि ये जो है अमाउंट इन्होंने हाँ पर मंथ है. तो कितना हो जाएगा? 2,000 into 12. तो 2,40,000 हो रहा है ना, 24,000 हो रहा है. हाँ 24,000. तो ये ऐड कर देते हैं, 6,95,000. अच्छा और कोई कुछ भी है क्या यहाँ पर? 6,95,000 नहीं, और कुछ नहीं होगा. तो ये 6,95,000 ही हमारा प्रॉफिट हो जाएगा. अब जैसे हम बता रहे थे कि ये जो डेप्रिसिएशन है ये अगर हम लोग यहाँ पर चार्ज नहीं करते तो फिर हमें कहाँ चार्ज करना पड़ता है? यहाँ पर, क्योंकि ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा प्रॉफिट आ गया है. तो डेप्रिसिएशन कहाँ चार्ज किया जाता है? पीएल में चार्ज किया जाता है. तो अगर हम लोग ये फॉर्मेट में देखते तो पीएल इसके बाद हमें चार्ज करना चाहिए था. डेप्रिसिएशन 3 या 4 जगह पे जो है वो चार्ज करना चाहिए था, ठीक है. अगर हम लोग डेप्रिसिएशन यहाँ पर चार्ज करेंगे तो वहाँ नहीं कर सकते हैं. ऐसा क्यों हो रहा है? देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर अगर हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते तो तुम लोग एक बार टोटल बता सकते हो कितना होता? 5,50,000 + 6,00,000 + 2,50,000 + 12,00,000 + 2,00,000. ये एक बार बता सकते हो, एक बार करके मुझे कितना होता, तब तो हम डिफरेंस बता देंगे कि क्या डिफरेंस आएगा. 12,00,000 और 2,00,000,
14 लाख और ये 2 लाख, 2.5 लाख, 14, 15, 16 लाख 50, 16 लाख 50 और 5 लाख 50 कितना हो जाएगा? 50 50 1 लाख, मतलब 17 लाख, 17 लाख और 5 लाख, क्या 22 लाख हो रहा है? विदाउट डेप्रिशिएशन क्या अमाउंट 22 लाख हो रहा है? एक बार चेक करोगे? 2 लाख, 12 लाख, 2.5 लाख, 6 लाख और 5 लाख 50। हाँ मैम, 22 लाख हो रहा है। 22 लाख और यहाँ पर दोनों में स्टॉक इंट्रेक ऐड नहीं किया मगर। ओ अच्छा, तो फिर उसको भी करो, वो छूट गया शायद। अच्छा। मेरे से 28। हाँ 28 लाख। 28 लाख, एक बार चेक कर लेते हैं। 12 2 12 13 14 14 और यहाँ पर 2, 14 15 16, 16 लाख 50 और 5 लाख 50, 16 और यहाँ पर 1 लाख हो गया, 17 लाख, 17 लाख और 5, 17 18 19 20 21 22 और 6, हाँ 28 लाख। और इसको अगर हम लोग यहाँ से माइनस कर देते क्रेडिटर और लोन, तो ये तो ऐसे ही रहेगा, इसमें तो कोई एडजस्टमेंट नहीं था। 2 लाख 40 इससे माइनस कर दो, कितना होगा? 28 लाख से 2 लाख 40, 25 लाख 60 थाउजेंड। तो 25 लाख 60 थाउजेंड होगा, इसको हम इस तरह से कवर कर देते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर ट्रीटमेंट नहीं करते डेप्रिशिएशन का, जैसे कि फॉर्मेट भी वही बोल रहा है, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर ट्रीटमेंट नहीं करते तो फिर हमें कैसे सम्स करना चाहिए था? तब हमारा 25 लाख 60 हजार क्लोजिंग कैपिटल होता और होता, तो फिर इंक्रीमेंट कितने का होता? 25 लाख 60 माइनस 18 लाख कितना होता? 7 लाख 60 थाउजेंड। अब इसका यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर 7 लाख 60 थाउजेंड यहाँ लिख दिया मैंने, ठीक है, उसका इफेक्ट ये आ जाता। ड्राइंग्स तो जैसे ऐड होना है वैसे ही होता। अब इसमें 24 हजार को ऐड कर देते हैं, कितना होगा? 7 लाख 84 थाउजेंड ये हो गया। अब अगर कोई एडजस्टमेंट है तो वो हमें करना चाहिए, क्योंकि ये तो हम लोग कैपिटल को चेक करके बता रहे हैं कि अगर कोई कैपिटल का ओपनिंग है, क्लोजिंग है और कोई ड्रॉइंग्स वगैरह है तो हमारा प्रॉफिट इतना हो रहा है, ये डायरेक्ट हम प्रॉफिट बता दे रहे हैं। लेकिन ये तो है इंक्रीज इन कैपिटल। अब हमारा प्रॉफिट अगर पता करना है तो कोई एक्सपेंसेस है तो उसे लेस करो, तो डेप्रिशिएशन का एक्सपेंसेस हमें लेस करना चाहिए। लेस करने से यही अमाउंट आ जाएगा। तो मुझे एक बार डेप्रिशिएशन का टोटल बता दो कितना कितना था। जैसे कि इस पे डेप्रिशिएशन 5%, 2 लाख पे 5% यानी कितना हुआ था? ये 10 हजार हुआ था। 12 लाख पे 2% ये हुआ था 24 हजार। 24 और 10 कितना हो गया? 34 थाउजेंड। और ये कितना आया था? 6 महीने का वो याद नहीं है मुझे, बाकी याद था। कितना हो जाएगा फिर एक बार देख लो। एक तो 24 हजार डेप्रिशिएशन आया, एक आया है 10 हजार। मोटर कार का बता दो 6 महीने का था कितना आ रहा था। ये वाला मोटर कार का 55,000 आया था, ठीक है। तो अब ये 89,000। अच्छा टोटल 89,000। अच्छा 89,000 यहाँ से माइनस करके देखो आ रहा है। सिक्स लाख 95,000 आ गया, सेम डेटा आ गया, ठीक है। तो अगर कोई इस तरह से हैबिट रखता है कि अच्छा डेप्रिशिएशन तो जो दो जगह चार्ज होता है, एक बार हम लोग बैलेंस शीट में कर देंगे, एक बार यहाँ पर पीएल से दिखा देंगे, तो वो गलत अप्रोच हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? देखो यहाँ पर जब हम लोग डेप्रिशिएशन चार्ज कर रहे हैं तो जो हमारा कैपिटल आ रहा है ना, जो क्लोजिंग कैपिटल आ रहा है, क्योंकि ये कैपिटल में तो एडजस्टमेंट हो जा रहा है, मतलब एक्चुअली यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सबका इफेक्ट कैपिटल आ रहा है, ये सबका इफेक्ट के हिसाब से यहाँ पर कैपिटल आ रहा है। कैपिटल खुद ब खुद हमें नहीं पता है, हम लोग बैक कैलकुलेशन करके कैपिटल निकाल रहे हैं। तो अगर हम लोग वहां पर डेप्रिशिएशन वगैरह चार्ज करने के बाद कैपिटल निकाल रहे हैं कि मेरे पास इतना पैसा बचा हुआ है, तो इसका मतलब हमारा डेप्रिशिएशन का एडजस्टमेंट तो हो चुका और कैपिटल इतना बच रहा है, तो ओपनिंग क्लोजिंग माइनस कर दो, ड्राइंग्स वगैरह कुछ है तो उसे दिखा दो, कैपिटल का एडजस्ट कर दो, तो हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन अगर हम लोग अपना जो डेप्रिशिएशन है, मतलब जो पीएल का एक्सपेंसेस है, वो यहां पर नहीं दिखाना चाहते हैं, तो फिर हमारा कैपिटल इतना आएगा 25 लाख 60 थाउजेंड। तो दोनों कैपिटल में हम लोगों ने डिफरेंस निकाल लिया और इंक्रीज या डिक्रीज चेक कर लिया, तब की इंक्रीज आ रहा है 7 लाख 60 थाउजेंड। ड्रॉइंग्स जो ऐड होना चाहिए था वो ऐड कर दिया, तो इंक्रीमेंट इन कैपिटल 7 लाख 84 थाउजेंड। बट बिजनेस का कोई खर्चा है, मतलब पीएल
हो या फिर अप्रोप्रिएशन ऑफ पीएल हो, तो वो यहाँ पर हम लोग दिखा सकते हैं। जैसे कि ये फॉर्मेट हमें बता रहा है कि ऐसे करो, तो एक ही तरह का फॉर्मेट तुम लोग यूज कर सकते हो, या फिर यहाँ पर जैसे मैंने पहले डिप्रिशिएशन माइनस कर दिया था, तो दोबारा डिप्रिशिएशन माइनस नहीं करना है हमें। क्यों नहीं करना है? क्योंकि यहाँ पर कैपिटल का जो डिफरेंस होता है उसी से हमें प्रॉफिट पता चलता है, और प्रॉफिट में तो डिप्रिशिएशन चार्ज होता है। तो प्रॉफिट में अगर हम लोग डिप्रिशिएशन चार्ज करना चाहते हैं तो फिर हम लोग यहाँ पर चार्ज नहीं करेंगे, यहाँ पर चार्ज करेंगे तो मेरा कैपिटल जो आएगा वो डेप्रिशिएशन लेस करने के बाद ही कैपिटल आ रहा है। तो डेप्रिशिएशन लेस नॉर्मली क्या होता है, कैपिटल लिखा हुआ रहता है, हम लोग यहाँ पर डेप्रिशिएशन अपना लेस करते जाते हैं, तो एसेट अपना वैल्यू बताता है और इधर लाइबिलिटी अपना वैल्यू बताता है, दोनों टैली हो जाता है। बट यहाँ पर प्रॉब्लम है, ये सारे इन्फॉर्मेशन से मुझे कैपिटल तक पहुँचना है, तो ये सारे इन्फॉर्मेशन से अगर कैपिटल पहुँचना है तो ये कैपिटल जो आया है ये आफ्टर डिडक्शन ऑफ डेप्रिशिएशन आया, जबकि कैपिटल से कभी डेप्रिशिएशन डिडक्ट होता ही नहीं है, लेकिन ये डेप्रिशिएशन का इफेक्ट इस पे भी दिख रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर और दोबारा से हम लोग डेप्रिशिएशन माइनस नहीं करेंगे, और अगर हमें डेप्रिशिएशन डायरेक्टली यहाँ पर दिखाना है तो फिर ये, तो मेरे हिसाब से ये तुम लोग के मैट का सलूशन है कि यहाँ पर डेप्रिशिएशन माइनस किया, मेरे हिसाब से तुम लोग को यहीं पर करना चाहिए। इसमें क्या होगा, तुम लोग का कन्फ्यूजन नहीं होगा, मतलब सीधा दोनों बैलेंस शीट बना दो विदाउट एनी फर्दर एडजस्टमेंट, जो भी बैलेंस शीट का डेटा है और जो ओपनिंग क्लोजिंग डेटा आएगा उसमें जो ड्रॉइंग्स है या फिर फर्दर कैपिटल है, जो कि पूरा कैपिटल रिलेटेड एडजस्टमेंट होता है। जैसे ड्रॉइंग्स भी कैपिटल रिलेटेड एडजस्टमेंट है, एडिशनल कैपिटल इंट्रोडक्शन भी कैपिटल रिलेटेड एडजस्टमेंट, वो सब कर लो। उसके बाद अगर कोई पीएल का खर्चा है तो लेस कर दो, इनकम है तो ऐड कर दो, और कोई पीएल एप्रोप्रिएशन का खर्चा है तो उसे भी लेस कर दो, और कोई इनकम है तो उसे ऐड कर दो, जैसे यहां पर किया हुआ। ये मुझे बेस्ट फॉर्मेट लगता है, बाकी ऐसे भी आंसर आ सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, नेक्स्ट और एक क्वेश्चन करवा देते हैं, इलास्ट्रेशन 3 देखो। मिस्टर रमन स्टार्ट ए बिजनेस विद 30,000 कैश फॉर कैश एज हर कैपिटल एज ऑन जनवरी 1, 2016। एट द क्लोज ऑफ द ईयर द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस, क्लोज जब हो रहा है, तो अब जैन में स्टार्ट हुआ है तो क्लोज नॉर्मली दिसंबर में ही होना चाहिए, ठीक है। तो क्रेडिटर, कैश एट बैंक, डेटर, स्टॉक, प्लांट, ड्यूरिंग द ईयर मिस्टर रमन ड्र्यू 1,000 एवरी मंथ, हर महीने 1,000 रुपीज ड्रॉ करते हैं। On July 1, 2016, he introduced further capital 15,000, capital introduce किया है उन्होंने 15,000, you are required to ascertain profit and loss by made by her, यहाँ मिस्टर बोल रहा है फिर हर बोल रहा है, ठीक है कोई बात नहीं चलो, by her during the year, following adjustment are required to be made, plan to be depreciated 10% and reserve of 2.5% is to be raised against debtor, बस इतना सही बता है, छोटा सा question है। तो पहले हम लोग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना लेते हैं 31st of December 2016, कितना है 16 का, ठीक है। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 31st of December 2016, क्रेडिटर है, क्रेडिटर कितना है 20,000, कैश एट बैंक, अच्छा कैश एट बैंक है 15,000, डेटर 25,000, स्टॉक 20,000, प्लांट 40,000, अच्छा। उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर ये बताया गया है कि मिस्टर रमन विथड्रू 1,000 फॉर एवरी मंथ, वो तो हम लोग वहाँ एडजस्ट करेंगे स्टेटमेंट में, और फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस ये भी हमारा स्टेटमेंट में एडजस्ट होना चाहिए, और प्लांट का डिप्रिशिएशन और रिजर्व फॉर बैड डेट ये भी हम लोग पीएल की तरह दिखा सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा दोनों तरह से हम लोग कर सकते हैं। अच्छा, जब बिजनेस स्टार्ट हुआ था तो कैपिटल था 30,000, तो ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है, इसीलिए हम लोग ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स नहीं प्रिपेयर कर रहे, तो यहाँ पर कैपिटल आ गया, बैलेंसिंग फिगर, तो ये 40, 20, 60, 70 और ये 90 और ये 10, 1 lakh, ये 1 lakh हो गया।
तो 1 लाख से 20,000 माइनस करने पे 80,000 हो गया कैपिटल का बैलेंस, क्लोजिंग कैपिटल. अच्छा, अब क्लोजिंग कैपिटल एज ऑन 31st of December 2016 80,000. अच्छा, ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल कितना था? ओपनिंग कैपिटल था 30,000. लेस करेंगे ओपनिंग कैपिटल एज ऑन 1/1/2016 30,000. तो ये डायरेक्टली हमें पता चल जाएगा कि इंक्रीज है कि डिक्रीज है. इंक्रीज है, इंक्रीज इन कैपिटल, कैपिटल बढ़ा है कितना? 50,000. इंक्रीज इन कैपिटल हो गया है 50,000. अच्छा, अगर कोई ड्रॉइंग्स हुआ है उस वजह से इंक्रीमेंट कम दिख रहा है तो ड्रॉइंग्स को ऐड करना है, तो ड्रॉइंग्स ऐड कर देंगे. ड्रॉइंग्स कितना है? 1,000 एवरी मंथ, तो 1,000 × 12 कर देंगे 12,000. लेस करेंगे, अगर कोई फर्दर एडिशन है तो उससे ज्यादा दिख रहा है इंक्रीमेंट, तो एडिशनल कैपिटल 15,000 लेस कर देंगे. तो अल्टीमेटली कितना एडजस्ट हो रहा है? 12,000 प्लस और 15,000 लेस, तो 3,000 लेस हो रहा है, तो 47,000 आ रहा है. ठीक है, इंक्रीज या डिक्रीज जो आ रहा है वो 47,000 आ रहा है. एक्चुअली क्या इंक्रीज या डिक्रीज है? ये 47,000 आ रहा है. अब इसमें अगर हमें कोई एडजस्टमेंट करना है तो हम लोग कर सकते हैं, जैसे डेप्रिशिएशन, ये पीएल का एडजस्टमेंट कर सकते हैं. रिजर्व फॉर बैड डेट, ये भी पीएल का एडजस्टमेंट है, और दोनों के दोनों ट्रीटमेंट से हमारा प्रॉफिट कम होगा. तो डेप्रिशिएशन लेस पीबीडीडी, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेप्ट. डेप्रिशिएशन 10% एट द रेट ऑफ 10%. अच्छा, पीबीडीटी 2.5%. अच्छा, किस पे चार्ज करना है? डेटर पे, और ये चार्ज करना है प्लांट पे. प्लांट था 40,000, 40,000 का 10% कितना हो जाएगा? 4,000. अच्छा, और 2.5% डेटर पे, डेटर कितना है? 25,000. 25,000 पे 2.5%. ये क्या हो गया, इतना ज्यादा कैसे दिख रहा है? कम होना चाहिए. 25,000 × 2.5%. अच्छा, 625, अब सही दिखाया, 625. तो ये भी लेस होगा, दोनों एक्सपेंस है, तो 4,625 लेस होना चाहिए. 42,375 ये हो गया. हाँ, नेट प्रॉफिट. ठीक है, ये प्रॉफिट आ गया. अब इसका फॉर्मेट तुम लोग के बुक में फिर कुछ अलग कर दिया है, उसको टी शेप में कर दिया है. तो एक्चुअली क्या होता है, ये जो कैपिटल का, ये जो हमें मिला ना 47,000, इसका मतलब इसमें जब हम लोग पीएल का एडजस्टमेंट कर रहे हैं तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रेडिंग प्रॉफिट है, क्योंकि एक्चुअली इंक्रीमेंट इतना हुआ है. एक्चुअल इंक्रीमेंट कहाँ से पता चलता है? पहले ट्रेडिंग में पता चलता है इतना प्रॉफिट हुआ है, फिर उस जीपी को जब हम लोग यहाँ पर पीएल में ट्रांसफर कर देते हैं तो यहाँ पर हमें नेट प्रॉफिट पता चलता है. फिर इस नेट प्रॉफिट को हम लोग क्या करते हैं? कैपिटल में ऐड करते हैं, नेट प्रॉफिट. ठीक है, तो कैपिटल कितने से इंक्रीज हुआ है? इतना प्रॉफिट से, ये नेट प्रॉफिट हो जाता है. लेकिन अगर यहां पर हम लोगों को नेट पीएल का कोई भी एडजस्टमेंट नहीं बताया गया है कि क्या क्या है, ट्रीटमेंट नहीं किया गया, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इंक्रीमेंट जीपी का दिख रहा है. तभी तुम लोग अपने बुक में ये सोल्यूशन देख सकते हो कि तुम लोग के मन में ये पॉइंट अराइज हो सकता है, क्यों इसे ट्रेडिंग लिखा है. तो ये चीज हम बता रहे हैं क्यों ट्रेडिंग लिखा है. ये देखो यहाँ पर लिखा है, ये यहाँ पर टी शेप में करके क्लोजिंग कैपिटल को देखो कैसे किया है, ब्रॉड डाउन कर दिया है, ड्रॉइंग्स को यहाँ पर लिख दिया, तो वो क्लोजिंग कैपिटल के साथ ऐड हो गया. तो हम लोगों ने भी तो क्लोजिंग कैपिटल के साथ उसे ऐड ही किया है, चाहे उसे एडजस्ट करके ही क्यों ना करें. ओपनिंग इधर लिखा है तो वो लेस हो रहा है, इधर कुछ डेटा है और इधर है तो वो माइनस होगा. फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस 15,000, ट्रेडिंग प्रॉफिट 47,000. ये बोला जा रहा है ट्रेडिंग, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो पीएल का खर्चा होता है वो एडजस्ट किया हुआ नहीं है. जब एडजस्ट कर देंगे तो उसे नेट प्रॉफिट बताएंगे, क्योंकि जीपी से ही तो हम लोग ये सब खर्चा माइनस करते हैं, लाइक डेप्रिसिएशन, पीबीडीडी यानी प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट. तो जो रिमेनिंग रहेगा उसे हम लोग बोलेंगे नेट प्रॉफिट. तो इस तरह से इन लोगों ने टी शेप में किया है, तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, कैसे भी हम लोग कर सकते हैं. अच्छा, फाइनल बैलेंस शीट नहीं किया, उसे कर लेते, मुझे लगा क्वेश्चन खत्म हो गया. चलो फाइनल बैलेंस शीट प्रिपेयर कर लेते हैं. स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स फॉर 31st of December 2016.
अच्छा क्या क्या रहेगा? मोटर कार नहीं, प्लांट था, मोटर कार इसमें नहीं था। प्लांट, प्लांट कितने का है? 40,000 का था, 40,000 का था, बट इस पे डेप्रिशिएशन चार्ज हुआ है, लेस करेंगे डेप्रिशिएशन, ठीक है। डेप्रिशिएशन कितना चार्ज हुआ है प्लांट पे? 4,000, तो ये कितना हो जाएगा? 36,000। अच्छा और क्या था? स्टॉक, स्टॉक 20,000। देखते हैं क्या स्टॉक में कोई चेंजेस है, क्वेश्चन में तो कहीं नहीं दिया था चेंजेस है, तो स्टॉक 20,000 ही रहेगा। अच्छा प्लांट, स्टॉक, कैश एट बैंक और डेटर, डेटर, डेटर में चेंजेस होगा, डेटर जो है वो 625 से पीबीडीटी के वजह से वो कम हो जाएगा, लेस पीबीडीटी 625, तो माइनस करने से 24,375, तो ये डेटर हो गया। अब लास्ट में स्टॉक लिख दिया, कैश, कैश कितना होगा देख लेते हैं। कैश कितना बताया था इन लोगों ने? 15,000, कोई चेंजेस तो है नहीं, 15,000। अच्छा इधर लाइबिलिटी में क्रेडिटर 20,000, ये नया बैलेंस शीट, मतलब इसी को मॉडिफाई कर रहे हैं, ठीक है, इस पे सारा एडजस्टमेंट देने के बाद। अच्छा क्रेडिटर लिख दिया मैंने, और यहाँ पर कैपिटल दिखा देते हैं, कैपिटल ऐड करेंगे, फर्दर कैपिटल, लेस करेंगे ड्रॉइंग्स, लेस करेंगे ड्रॉइंग्स, ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट, तो हमारा जो फाइनल बैलेंस शीट है वो प्रिपेयर हो जाएगा। तो कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है 30,000, 30,000 से बिजनेस स्टार्ट किया था, और उसके बाद भी 15,000 बिजनेस में लगाया गया है, तो 30,000 प्लस 15,000, पैसा निकाला गया है 12,000, क्योंकि 1,000 करके हर महीना, और जो नेट प्रॉफिट है वो हुआ है 42,375, ये ऐड होगा, ये लेस होगा, तो ये हो गया 30,000 प्लस 15,000, 45,000, ये दोनों का एडजस्ट करेंगे तो 3,000, 33 प्लस 42,375, 75,375, अच्छा प्लस 20,000 कितना हो जाएगा? 95,375। और इसका टोटल 36 और 20, ये हो गया 56,000, 56 और ये 10, तो कितना हो जाए 56 और 10, 66,000, 66 और 5, 71, 71 95,375, तो यहाँ पर देखो, हाँ तो ये बोला था यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द पीएल मेड बाय हर ड्यूरिंग द ईयर, फॉलोइंग एडजस्टमेंट इज टू बी रिक्वायर्ड। अच्छा यहाँ तो कोई बोला नहीं था कि फिर से बैलेंस शीट बनाओ, खैर इन लोगों ने बनाया, मैंने यहाँ पर देखा तो मैंने भी बना दिया, ये देखो अभी तुम लोग को दिखा रहे थे तो यहाँ पर देखा मैंने, फाइनल बैलेंस शीट फिर से बनाया, वैसे क्वेश्चन में तो कहा नहीं था, ठीक है कोई बात नहीं, हम लोगों ने फाइनल बैलेंस शीट मतलब क्या, इसी को मॉडिफाई किया गया है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, तो प्लांट पे डिप्रिशिएशन, स्टॉक, डेटर, जैसे होता है नॉर्मल बैलेंस शीट वैसे प्रिपेयर करने पे ये आ रहा है, ठीक है 75,375 ओवरऑल, और यहाँ पर टोटल 95,375 आ जाएगा। वैसे यहाँ पर वाला बैलेंस शीट एक सेकंड के लिए दिखाइए तो, हाँ पहला वाला थोड़ा, वन सेकंड, हो गया देखो, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर शायद 3 तक, हाँ 3 तक किया है, और यहाँ पर ये पीडीएफ तुम लोग बोलोगे तो हम शेयर कर देंगे, क्योंकि इसमें आंसर नहीं रहेगा, क्योंकि बुक खोलोगे तो तुम लोग का आंसर दिखेगा, ठीक है यहाँ पर आंसर नहीं मिलेगा, अगर तुम लोग बोलोगे तो हम ये तुम लोग को शेयर कर देंगे, क्योंकि तुम लोग के पास तो मैट है इसीलिए, और यहाँ से तुम लोग ट्राई करके देख सकते हो कितना करना है, 2 या 3 क्वेश्चन तुम लोग करके देख सकते हो, ठीक है 2 या 3 क्वेश्चन जो भी तुम लोगों से बन रहा है तुम लोग ट्राई करके देख सकते हो। नेक्स्ट दिन क्लास में हम लोग 4 से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 3 तक मैंने करवा दिया है, तो 4 से स्टार्ट करेंगे, तो तुम लोग 4
फाइव सिक्स ये तीन करना, शायद तीन ही कवर हो पाएगा नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि क्वेश्चन का जो लेंथ है वो बढ़ रहा है, ठीक है? तो अभी का छोटा छोटा क्वेश्चन था, तीन या दो ही कवर हो पाएगा। तो फोर फाइव सिक्स तुम लोग जरूर पढ़ के देखना और अपने कॉपी में करना, ताकि जब जो भी नहीं हुआ है, जो पॉइंट नहीं कर पाए हो, उसे और भी अच्छे तरीके से समझ पाओगे जब हम समझाएंगे। तो तुम लोग अपने हाथ से कॉपी में जरूर करके देखना, और ये होगा तभी नेक्स्ट हम लोग जब फाइनल अकाउंट्स पढ़ेंगे, जो तुम लोग का एक मैंडेटरी क्वेश्चन होता है, वो तुम लोग इजिली कर पाओगे, क्योंकि ये कंसेप्ट पूरे फाइनल अकाउंट से रिलेट हो जाएगा, एनपीओ से भी रिलेट हो जाएगा थोड़ा बहुत। तो ये तीनों चैप्टर के लिए ये कंसेप्ट बहुत जरूरी है, ठीक है? आज हम लोग इतना करते हैं, और जैसे कि मैंने कहा, तुम लोग प्रैक्टिस जरूर करना, मतलब एक बार देख लेना हो रहा है कि नहीं।